बुढ़ा बुढ़े को टेलीफोन पे बुला के उससे यही पूछना था कि क्या बुढ़िया घर पे है। कौन बोल रहा है? मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ, शब्बू तिलंगा। आप रात को चांद देखने आई थी ना, और मेरे अब्बा जो गंजे हैं उन्हें देख के दुआ मांग के चली गई थी आप। असल में मैं पानी की टंकी के पीछे छुपा था, मैंने ही आपको रसमलाई मारी थी, याद है आपको? पागल हो गया क्या? आप जलपरी नहीं बोल रही? उनकी अम्मा बोल रही हूँ मैं। अरे अम्मी सलाम वालेकुम, जलपरी भी हमारी बहनों की तरह है। तेरा सत्यानाश का कम्बख्त। शुक्रिया। कहीं का बताओ, कैसा बेहुदा आदमी है ये? क्या बात है? हेलो जी, गुलबार पुलिस स्टेशन से हेड कांस्टेबल इकराम इलाही बोल रहा हूँ। सुना है कि आपकी बच्चियाँ घर से गायब हैं? अल्लाह ना करे हमारी बच्चियाँ गायब हो। आपकी नहीं है तो पड़ोस में पूछ लें, शायद उनकी गायब हुई हो। एक मिनट है ना, ए भी तुम्हारी लड़की तो नहीं चली गई? हाँ चली जाए तुम्हारी बेटी, तुम और तुम्हारे खानदान वाले अगले पिछले। ये क्या छिछोरापन है, टेलीफोन में से निकल के थप्पड़ मारूंगा मैं। ये मैं नहीं कर रही, ये भागो के छुड़ैल वो छिछोरापन कर रही है। देखिए कभी भी जिंदगी में बच्चियां गायब हो गुलबार थाने में ही इत्तला दीजिएगा, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छी तरह ईद गुजर जाएगी। सलाम अलैकुम। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना सूलतपुरी की वाइफ बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? आप सूलतपुरी की बीबी बोल रहे हैं? बीबी? हाँ बोल रही हूँ। बोल रही हो? हाँ। बोलती रहो। आप उनकी सगी बीबी बोल रही हो? सौतेली। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अच्छा आप सुनो, आपके मियाँ का मस्जिद में फड्डा हो गया है। ईद की नमाज में आपके मियाँ का फड्डा हो गया है, वो किसी का फितरा छीन के खा गया है। वो जबरदस्त फड्डा हुआ है, मारा मारी हो गई है। अच्छा? इंशाल्लाह बेवा हो जाओगे आप। मेरा बेड़ा गर्क हो? बेवा हो जाए तो मेरे को जरूर बताइएगा, मेरे को बेवाओं से बहुत हमदर्दी है। अल्लाह ना करे। देख लिया तुम्हारे शोर मस्जिद में भी बात नहीं आए, वहाँ पर भी झगड़ा शुरू कर रहा है। रहने तेरा दिमाग खराब हुआ, मेरे मियाँ तो सीधा साधा, तेरे मियाँ झगड़ा करता है। अरे जा जा, तेरा मियाँ तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा ना पड़ी आई, सीधा साधा है। सीधा साधा है, बात सुने, एक घंटा हो गया तुझे टेलीफोन पे बात करते हुए। अरे रहने दे, दूसरों ने भी टेलीफोन करना, नहीं तो लाइन काट दूंगी यहाँ, समझ के रखा। तो शर्म नहीं आती है तुझे इस उम्र में लाइन काटती है? टेलीफोन तेरे बाप का नहीं है? तेरे भी बाप का टेलीफोन नहीं है? मेरी अम्मा ने अपनी शादी में दरखास्त दी थी, अब मेरी शादी पे लग गया। आ जाने दे, या तो तेरा सुहाग रहेगा या मेरा सुहाग रहेगा। मैंने भी अपने बाबा को बुलवाया। हाँ अल्लाह करे तू बेवा हो और मैं तुझ पे तरस खाऊं। अल्लाह करे तू बेवा हो और मैं नहारी रोटी खाऊं। दफा तेरी शक्ल कमबख्त, दफा कल वही, आज आने दे इन्हें। मैं लड़की हूँ? अरे वो तेरी चचिया वाला लड़ाई है, पता चचे की मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अरे सारा उसके सगे जिंदा, मैं भी अपने बाप को बुलाती हूँ। मगर उन्हें तो 3 महीने हो गए जेल गए हुए। यही तो मैं कहने वाली थी। तमीज से लड़की, तमीज भी कोई चीज होती है, माँ बाप से तमीज से बात की जाती है। आप भी तो अपनी अम्मा से तू तड़ाक करती है। वो तो मैं उनसे जरा फ्री हूँ, बस यही बात है और कुछ नहीं। मैं भी अब फ्री होने की कोशिश। बस लड़की बस, आज ईद का दिन है, कोसने खाने के बजाय कहीं ऐसी ऐसी कोई बात मत सुन लेना मेरे मुंह से, समझी? अरे हाँ, आज आलने दे तेरे बाप को, मैं देखती हूँ कि ये कल वही घर में रहेगी या मैं रहूंगी। उसने समझा क्या अपने को? क्या मुसीबत है, हर वक्त झगड़ा झगड़ा।
कीजिएगा। हाँ क्या मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रही हो? अरे अपना किरदार देखा है, बड़ी अनारकली बनी फिरती हो। मुझे पता है तुमने कबूतर क्यों पाल रखे। खबरदार जब मेरे शौक पर इतराज किया तो। हाँ ना, तुम्हारे कबूतर उन्हीं छतों पर दाना खाने क्यों जाते हैं जहाँ सिर्फ लड़के रहते हैं? ये बात है तो जनाब अपने करतूत भी सुन ले। मैं सारे जमाने को चीख चीख के बताऊंगी कि ये मूछें लगा के मर्दों की हॉकी टीम में खेलती हैं। अरे जब लड़कों से टीम संभाली नहीं जाती ना तो मजबूरन औरत को मैदान में करना पड़ता है। जी जी आपके क्या कहने, कभी आप पाइप पर जाती हैं, कभी सहेली के घर उतर जाती हैं। तो आप तो मेरे मंगेतर को देखकर पटड़ी से ही उतर जाती हैं। अरे वो चुचुंदर तो हर कॉलेज के इर्द-गिर्द चक्कर काटता रहता है। झूठी कही की, कब आता है तुम्हारे कॉलेज? छुट्टी के बाद। ठीक है मैं उसे आज छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी उसे, मैं देख लूंगी आज। इनकी लड़ाई और अपना चक्कर थी। देख लूंगा। अबे सगा भाई ये तो क्या हुआ, जान जान से मार दूंगा। अरे अरे मिर्जा, एक तो तेरे झगड़े खत्म नहीं होते, चले मिर्जा थूक दे गुस्सा। हाँ थूक, बताओ मेरे मुंह पे थूक दिया। अरे ये सगा भाई है, 1.5 मिनट छोटा है कमबख्त, बहुत छोटा है भाई। आज ईद का दिन, सफेद बुर्राख कपड़े पहने, कानों में इतर के फोए लगाए, दोनों भाई ईदगाह पहुंचे, जैसे ही रुकू में गया कमबख्त ने धक्का दे दिया। कानों के भोए नाक में आ गए, इमाम साहब ने ईद की नमाज छोड़ नमाजे जनाजा पढ़ानी शुरू कर दी। बताओ कैसा जमाना आ गया कि मस्जिद में भाई ने भाई को धक्का दे दिया। आने दे, आज यतीम कर दूंगा उसके बच्चों को। यतीम के सर पे हाथ रखना सवाब है ना? हाँ हाँ यतीम के सर पे हाथ रखना सवाब है, कल ही हमारे अब्बा ने हमारे सर पे हाथ रखा। अपनी बात ना करो, आज बहुत गुस्से में हूँ, हजर कर दूंगा मैं। ये है मेरा भाई कमबख्त मारा। भाई भाई आ मेरे गले लग जाओ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है किसी बुराई को गले लगाने को। मैं कहता हूँ लानत भेजता हूँ तुझ पे। लानत ना भेजो, अपना मुंह भेज दो, इससे बड़ी लानत और कोई नहीं है। मत बकवास कर, हाथ पैर तोड़ कर डाल दूंगा। मेरे अंदर से कोई कह रहा है कि किसी नेस्टी को गले लगा लो, गले लग जाओ, दफा हो जा। मगर ऐसा लग रहा है मेरे से लीड ली हुई है। मत बकवास कर। ऐसे ही झटके दे दे के मार दूंगा। अबे इसका तो इलाज भी नहीं है। नहीं सर। मिर्जा, मुसलमान के दिल में बुग्ज नहीं रहना चाहिए। चल मिलने गले, गले मिलने से गिले दूर होते हैं। तू मिलने गले, तू मिलने जा। तो हम मिलने थे भाई, अच्छाई तक पहुंचने के लिए बुराई को तो गले लगाना ही पड़ता है। क्यों भाई हमसे गले मिलोगे? आप ईमान ले आओ, आपसे ही मिलेंगे। और इसका तो मुझे किरदार भी पता है, ये गले मिलते टाइम जेब काट लेता है। अभी ओ मैले अमीर, अपने मुंह पे लिखवा ले कि मैं अमीर आदमी हूँ। अबे मिलना है मिल गले, वरना मैं इस भेड़िए से गले मिल लूंगा। आओ तुम पे ट्राई सही। ठीक है आ जाओ आ जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा मैं केएमसी को फोन करता हूँ, गंद ले जा भाई। अबे क्या हुआ? तीन पड़ा का डंपक शू। निकल जाओ ऊपर को, उठाई से उठा। अल्लाह ही उठाएगा भैया। मैं कहता हूँ उठा से उठा भैया। मुझे पता है
अभी इसकी तलाशी लेता ठीक हो जाएगा। अल्लाह की शान, तिनके में जान। मुझे मालूम था गले मिलने के बहाने बैटरी छुपा रखी है ताकि मुझे करंट लग जाए। अबे अब तो बच गया, बकरीद नजदीक है, हलाल कर दूंगा। मैं कहता हूँ हाथ पैर तोड़ के डाल दूंगा। अबे बड़ा कमीन है, ईद का चांद देखने छत पर गया, कमबख्त ने सांप छोड़ दिया। मैं घबरा के दीवार कूद गया, वो गलतफहमी में हो गए, समझे किसी और चक्कर में कूदा हूँ। अबे बिल्कुल सही समझे, वो मर्दों के डिपार्टमेंट में क्यों नहीं कूदा, औरतों के गोद में जाके गिरा। तेरी बताऊं, ये पता है बुरखा पहन के औरतों के जुमा बाजार में घूमता है। ईमान से जहाँ रश होता वहां तो ज्यादा जाता है। क्यों भाई बकवास कर रहा है? बकवास। अबे इस कमबख्त ने मुझसे बड़े बड़े बदले लिए। वो क्या? अबे एकदम मेरे कपड़े धोबी के गए हुए थे, मैं इसका पजामा पहन के दफ्तर चला गया। कमबख्त ने एक नहीं रखी, पूरे स्टाफ के सामने अपना पजामा लेके चला आया। मुझे पता था कि इस दिन मोहब्बत जो रही। इसकी बीवी मुझसे कहने लगी, भाई साहब ये कुर्ता भी पहन जाइए। वो तो अल्लाह करे भरा फैशन का कि यहाँ तक के कुर्ते हैं, कैसे घर पहुंचो मैं नहीं जानता। अपनी ना बताइए, जुमे जुमे अखबार लेता है और तलाक वालियों के इश्तिहारात पढ़ता है और मोहल्ले की हर औरत से पूछेगा, सुनिए आप तलाक कब ले रही हैं, सुनिए आप बेवा कब हो रही हैं। परसों तेरे घर भी गया था ये मिर्ज़ा, वो तू था? नहीं नहीं, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। छू छू मोती, छू मोती, छू छू मोती, छू मोती, छू। अबे देखो अब इसने भी पहचान लिया हम लोगों को। काले अंग्रेज, छू मोती छू। हाँ आज ही ने किए, सांप और नेगरे की लड़ाई। हमोश इसकी बात बताऊं, कल एक फकीरनी आई, फकीरनी के हाथ पकड़ लिए पैसे देने के बहाने। नहीं नहीं, वो अंधी थी, मैंने कहा लोम आई, ये तो खुद जहनियत का खराब है कमबख्त मारा। अबे जा, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी के रिश्ते नहीं आते और इसकी हरकतों की वजह से लड़कों की अम्मा इस घर में नहीं आ रही। अबे तो ये सब बताने की जरूरत क्या है इस घटिया आदमी के सामने? अबे ओ शमा माचिस की तीली, ओ डियर पेंसिल, तुम्हारी आपस की लड़ाई है, आपस में निपटो, मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? अब शुरू शुरू के गन्ने। ये कसाई है, कसाई। मुझे कसाई कर रही है? कसाई नहीं है, तेली है, तेली, तेली, तेली नहीं है। पता जब ये पैदा हुआ ना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर इसके वालदन के पास आया अफसोस करने के लिए कि आपने मोहल्लेदारी में क्या किया है। ईमान से दाई ने भी पैसे नहीं लिए कि नहीं हमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। अब मुझे तो शक है ये पैदा नहीं हुआ बल्कि ईजाद हुआ है। अबे ये तो कुंजड़ा है, कुंजड़ा। कुंजड़ा कह रहा है मुझे? कुंजड़ा, कुंजड़ा नहीं है, धोबी है, धोबी, धोबी। अच्छा भैया बहुत बहुत शुक्रिया, जाओ। मेरी वजह से मेरे दोस्त रुक के चला गया। अबे ओबे, मैं धोबी हूँ, मैं कुंजड़ा हूँ, मुझे अभी पता चला भाई के साथ मिलके कैसे भिगो भिगो के जूते मार रहा था। नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अब आराम से, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, आपस में लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देंगे तो कोई बाहर से आके हमें मारे या आपस में लड़वाए। समझ गए? अंथराइज प्लाट निकल बस। सुनो मिर्जा, एक दिन यही कील मैं तेरी कब्र पे न ठोकूं तो मेरा नाम भी ढक्कन पहलवान नहीं। चल गोरकन की औलाद। तूने मेरे दोस्त को बेइज्जत करके घर से निकाला, गले मिलता गले। बेगम, बेगम, बेगम को बुलाना, लाना लड़ा भी नहीं जाता, फट जाने से कम बखत को जाओ से। अरे 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 मत पकड़ना, मैं आज इसे रंडवा कर दूंगा। ऐसा कसम ना करना, मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, लिहाजा आप ऐसे करें मुझे बेवा कर रहे हैं। वही कर रहा है, बेवाही कर रहा है तुझे, यतीम नहीं कर रहा। अबे करना रनवा, ये खड़ी है, मार मार, मर जा बेगम, मैं दूसरी कर लूंगा। दूसरी करोगे? बड़ा शौक है तुम्हें दूसरी शादी करने का। सुनो, छोड़ो, क्यों घटिया खानदान के मुंह लग रहे हो? खबरदार, घटिया खानदान तुम्हारा, तुम्हारा खानदान घटिया, ये मेरा भाई है। भाई भाई, घंटे कर करके मैंने तुम दोनों भाइयों को अलग किया, अब मैं मिलने दूंगी। ओए
रू अफजा का ड्रम। चुप कर जा, चुप करी। उल्टी पकड़ना। बात जानोगी जान से खतीस को। शुक्रदार पकड़ लिया मेरे को। ना, आ तो मैं ऐसे करके ना मसला ना तो खत्म कर दूँगी तुझे। अरे शुक्रदार, ये तो अपनी औकात जरूर दिखाएंगे। खामोश, नीला गुम्मत। खबरदार जो इसे कुछ कहा, मेरा भाई है, घटिया तो क्या हुआ, भले जलील है तो मेरा भाई, कोई औकात औकात नहीं देखा भैया। भैया इधर आ जाओ, वरना जमाना देख रहे तुम्हारी औकात। चलो अंदर, चलो चलो। तू मेरी बीवी है, माँ है। चल अंदर। तेरे बाप का भी है। आज ही देखिए रू अफजा का ड्रम और लस्सी का ड्रम। तुम अंदर चलते हो या इसी तरह जाओगे जैसे वो जलील होकर गया है? घटिया है, जलील है और अच्छे करता है। अरे ये तो हमारे नौकर याकूब पायलट की आवाज है। याकूब? ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करना, अगर अबे तबे की तो तू तड़ाख पे उतरूंगा। जानते नहीं हो, हवाई जहाज का ड्राइवर हूँ। हवाई जहाज का ड्राइवर? अबे मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझ गया? इससे बात कीजिए सेठ साहब। क्या समी मुझसे जबान चला रहा है? जबान काट दूंगा तेरी। जबान काट देंगे? काट दीजिए जबान, मैं इशारे इशारों में वो कुछ कह जाऊंगा जो पाबंदी की वजह से मुंह से नहीं कह सकता। ओहो हमसे इशारे? अबे सारी जिंदगी इशारे किए, बोल क्या बकता है, बोल। मियाँ अगर पहले ही इशारा समझ के बता दो ना तो मान लू तुमको कि तुम बहुत बड़े पिलाड़ी हो। ये लो। क्या कहा इसने? बताने वाली बात नहीं है। देखा, नहीं समझ में आया तो कह रहे हैं बताने वाली बात नहीं है, दूसरा इशारा मार्केट में आ रहा है, जरा समझ के बताओ। बोटियां नोच लूंगा। बोटियां नोच लूंगा तुम बगैर। अरे इनकी ज़हनियत गंदी है, समझने में आपको लेके भाग जाऊंगा। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ मैं बेगम साहिबा को सैर कराने ले जाऊंगा। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता कि तू तो टिकट लेने गया था, उसका क्या बना? मेरा पूरा नाम क्या है? याकूब पायलट। पायलट है ना, प्यार में माँ बाप ने रखा था पायलट, आज फंस गया इस चक्कर में। आपको पता है पायलटों की हड़ताल चल रही है, आपकी टिकट लेने एयरपोर्ट गया, किसी जानने वाले ने आवाज लगा दी, ओ बे याकूब पायलट। लोमिया इंतजामिया वाले पीआईए वाले मेरे कदमों में गिर गए आके, कह लगे खुदा के वास्ते जद्दा की फ्लाइट तैयार खड़ी है ले जाओ। अबे मैंने कहा भाई मैं तो छोड़ू पायलट हूँ भाई, मैंने जिंदगी में जहाज नहीं उड़ा। कह लगे अबे ले जा उतारियो मत। मियां जबरदस्ती मेरे साथ ये हुआ, मुझे वो ले गए अल्टर प्रेशन रूम, क्या कहते हैं उसको, वहां ले जाके मुझे कपड़े पहनाए। सीधे हाथ पे पायलट बैठे थे, उल्टे हाथ पे एयर होस्टेस से बैठी हुई थी, बीच में एयरलाइन का नुमाइंदा बैठा हुआ था। आपको पता है क्या असल मतालबा क्या था इनका? पैसों पे झगड़ा था। यही तो चक्कर दिया है ना लोगों को, अंदर की बात घेर के लाया हूं, अंदर की, अंदर तो कहानी कुछ और चल पड़ी थी। मैं अंदर गया ना, इधर बैठे हुए थे पायलट, इधर बैठी थी एयरोस्टेस, बीच में नुमाइंदा खड़ा हुआ था। नुमाइंदा खड़ा हुआ, कहने लगा कि आप लोग अपनी फ्लाइट पे वापस जाइए, इसलिए कि हमने आपका मतालबा मंजूर कर लिया, आपके पैसे बढ़ा दिए। पायलटों का नुमाइंदा खड़ा किए, कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है, हमारा मतालबा पैसों का था ही नहीं, हमने पैसों के लिए बात ही नहीं की, हमारा मतालबा तो ये है कि हमारे साथ जहाज में दुबली पतली एयरोस्टेस से भेजें, ऐसी ऐसी भेजते हैं जहाज डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये है अंदर की बात। ज्यादा फेरे मत लगाओ, ज्यादा फेरे मत लगाओ, सात पूरे हो गए तो किसी की हो जाओगी। उफ मेरे खुदा, मुजाजी खुदा, मैं हूँ इस किश्ती का ना खुदा। सेठ साहब क्या वो स्टीमर भी आपका है? ये बादबानी कश्ती भी मेरी है। मैं होता ना मालिक इस बादबानी कश्ती का, फर्दे फाड़ देता है इस बादबानी कश्ती के। क्या तुम एयरलाइन में हो गए? मियाँ ये लाइन की भी आपने अजीब ही कही, हम तो पैदा ही जट लाइन में हुए, जब थोड़ा पढ़े लिखे तो नौकरी के लिए दफ्तर की लाइन में, किस्मत की खराबी आपके यहाँ नौकरी की लाइन में, जब मत मारी गई तो सियासी पार्टी की लाइन में, और आजकल एक अजीब लाइन चली हुई है कि उर्दू में आदमी कहते हैं, सिंधी में माणू कहते हैं, पंजाबी में बंदा कहते हैं, बलोची में वाजा कहते हैं, पश्तो में
पश्तो में मड़ा कहते हैं। अबे ये नहीं देख रहे सबकी लाइन एक है, एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक कुरान है, फिर भी लड़े चले जा रहे हैं। क्या मैं एयर होस्टिस हो सकती हूँ? क्यों नहीं, यतीमों को फौरन भर्ती करते हैं। क्या बकवास कर रही है? अब्बा हजूर मेरी खातिर, वो कमबख्त ये घर में क्या चक्कर चला दिया? अरे जाने दीजिए जाने दीजिए, मिस्कीनों के लिए तो खास रियायत है एयरलाइन में। मैं तेरा हजर करूंगा, जबान खोलो। तमीज से बात कीजिए सेठ साहब, तमीज से, वरना 11 महीने की तनख्वाह मांग के बेइज्जत कर दूंगा। अंदर अम्मा, अंदर चल, तू अंदर, अंदर, और तुम भी चलो अंदर। आज का बात क्या? चलो उठाइए, दो दो रुपया में, दो दो रुपया में। हर माल का बोली दो रुपया में, चल लगाने वाले को मिलेगा दो रुपया में, ये जिंदा अंग्रेजों का कमीज दो रुपया में। अबे क्या हो रहा चार्ली बावले? किसे बोला चार्ली बावला? हमारा नाम है इलियास चरिया। वही बोलो। नाम नहीं बिगाड़ना। अबे ये क्या हो रहा है? कमीज़ बेच रही हूँ। तो नाच के ऐसे ही बिक रही है? कौन आदमी है जो नाच के नहीं बेच रहा? टेलीविजन देख लो, वो सितारा सपना लोन नियत बांध के बेच रहा है। वो जो सपना लोन बिक रही है वो नहीं देखी है? सितारा है सपना है, सितारा है सपना है। इसी चक्कर में लोग दुकानों पे जाते हैं कि शायद यही लड़कियां बेच रही होंगी कपड़ा। वहां इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाले बैठे, क्या चाहिए? नहीं भाई कुछ नहीं, मुझे टाइम पूछना है। इसीलिए लोग ये कपड़ा खरीद के बीवियों को पहनाते हैं कि शायद ये भी कंबल मारियां ऐसी लगेगी। वो छह छह बच्चों की अम्मा है, ऐ सितारा है, ऐ सपना है। क्या भयानक सपना है भाई, ईमान से। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस इश्तिहार में औरतों की जरूरत नहीं है उसमें आती क्यों है? मसलन वो देख ले, वो एक आदमी शेव कर रहा होता, वो देखा कौन सा इश्तिहार? खर पी ऑन से पावर खर आ बड़ी इज नॉट गुड ब्लैक आउ दिस वन ऑल गुड खर 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 माय गॉड आई एम फ्रेश। उसमें भी आयत ये, ओ व्हाट ए शेड। देखा आपने? तो हर इश्तिहार वेस्पा के हैंडल पे बैठी हुई। अरे उठ के कुर्सी पे बैठ, कंबखत मारी हैंडल पे क्यों बैठी है? ये है, इस वजह से मैंने बोला। ये क्या कर रहा तू? ये कपड़े क्यों बेच रहा है? कपड़े बेच रहा हूँ। कैसे बेच रहा है ये पहन के? क्यों? अरे गरीबों को ये लोग पथारे नहीं लगाने देते, ठेले उठा के ले जाते हैं गरीबों के। गरीबों को नया आइडिया दिया मैंने, क्या गरीबों ये कपड़े पहनो, पहन के घूमो, जिधर देखो दूर दूर कोई नहीं है, उतारो, चल दो रुपया, चल दो रुपया, चल। खुद ही शोकेस, खुद ही दुकानदार, खुद ही सेल्समैन,
खुद ही गल्ला, न चोरी का खतरा, न डाके का डर, अल्लाह 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 अल्लाह। अबे ये तो मेरे कपड़े हैं, इसीलिए तो नाक पे हाथ रख के बेचे। ईमान से जिन्होंने छाटी की अभी तक बेहोश पड़े हैं बेचारे। ये तुझे किसने दिए? बेगम साहिबा ने दिए। कहने लगी बेच दो, अब इनके दिन ही कितने रह गए। मुझे इन हरकतों से बेइज्जत करवाएगा? अच्छा, ये बेइज्जत होने वाली हरकत है? और नहीं तो क्या? अरे काम करने में कोई शर्म नहीं है, काम करना चाहिए काम, मेहनत में कोई शर्म नहीं। अपन पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम आप क्या से मिलता है? क्या क्या हम तुझे पैसे नहीं देते क्या? पैसे याद है मेरे को पैसों पे? क्या हुआ? एक मिनट, जवाब तो मैं जेब में लेके फिरता हूँ। ये क्या है? ये क्या? देखिए ये वो चेक है। हाँ? जो इन्होंने ये चेक मुझे 8 महीने की तनख्वाह का दिया। अच्छा? मैं यहाँ गया था, यहाँ तो बैंक ही नहीं है। एक बोर्ड लगा हुआ है, उसपे लिखा है यहाँ बैंक बनेगा। कब बनेगा ये किसी को पता नहीं है, बस बैंक है बनेगा। ऐसे ऐसे चेक छोड़ना ही है? पागल हो गया? इसी ब्रांच का चेक मुझे घर के खर्च के लिए जो देते हैं वो तो कैश हो जाता है। पता करो भाई ये चेक कहाँ पे कैश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बैंक नहीं है। ये मालूम करना आपका फर्ज है कि कैश कौन कर रहे हैं। हमद, इससे पहले मैं तुझसे तलाक लूं, मुझे बता कहां से कराई ये चेक कैश, क्यों कल कराई ये चेक कैश? अलादीन बाबा। कौन? बताओ मुझे। मेरा ख्याल है सरकार इनका कोई रिश्तेदार जो है वो डाकू होगा। डाकू की तो कोई ब्रांच ही नहीं है, जिधर गया उधर ही कैश। कैसे, कैसे? किसी भी ब्रांच में चेक दे दे मना नहीं करते, कैश कर देते। हो सकता है ऐसा चक्कर हो। क्यों? अरे चुप, तेरी इन हरकतों की वजह से मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। घर से निकालेंगे मेरे को? देखिए आप क्या, तुम इसे घर से निकालोगे? हाँ। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ऐसा कदम मत कीजिएगा बेगम साहिबा, ये उनके घर चले जाएंगे। किनके? उनके। सुबेदा अंडे वाली क्या है? अल्लाह कदम उसके घर में टाइम पीस भिजवाया। टाइम पीस? हाँ, जिसमें से 1 बजे एक चिड़िया निकलती है, ची ची। बस चिड़िया वहां निकलती है, जुबेदा घर से निकलती है। सेट इनकी भी है इन्होंने। कौन है ये जुबेदा? कौन है? इतनी सी बच्ची है अभी पाल रहे हैं। मैं कहती कौन है ये? इतनी सी बच्ची है। इतनी सी और इधर वाली भी मिला लो, पूरी हो जाएगी जो पैदा। तू मुझे सच सच बता क्या चक्कर है? चक्कर कुछ भी नहीं है, इनकी वजह से मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत बेइज्जत करवा रहे हैं। अब ये ईद का ज़कात फितरा निकला ना। हाँ हाँ। तो ज़कात फितरा ईद का निकला और इन्होंने मुझे दे दिया। ये तो अच्छी बात है। और आगे सुनो जो बुरी बात। क्या? कहने लगे तू फितरा ज़कात रख, तू ईद की नमाज पढ़ने आएगा मस्जिद में, तुम्हें रास्ते में फटे पुराने कपड़े पहन के बैठ जाऊंगा, तू मेरे को वापस दे दियो। इस तरह फितरा भी अदा हो जाएगा और वापस भी आ जाएगा। और तूने ने फितरा दे दिया? मैं तो पागल हूँ, मैं तो मस्जिद ही नहीं गया। मैं तो रिवाली में ईमान से फितरों के पैसे से अंजुमन को इज्जत चाहिए। नौकरों के सामने ऐसी हरकतें करते हुए अपनी ना बताइय। मेरी क्या बात है? वो बता बे। आपने जो कराया वो रमजान के अंदर ऐलान मोहल्ले में, आपने नहीं मुझसे कहा था मोहल्ले में कही आओ कि जो जो खजूर खाए गुठलियां ना फेंके, इनके चैलेंज के लिए जमा कर रही हूँ। क्या ना जब पागल हो गया तू, ये झूठ कहता है? सही कहता। तुम मंदिर चलो, चल के सर में चूहों का तेल डलवाओ, नहीं तो तुम्हें गंजा कर दूंगी। तुम गंजी हो जाएंगे आप? ईमान से मुंह से अच्छा सर निकलेगा। चल तुम चलो अंदर। जब चलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूं, जल्दी आ जाना। लाडले खावी ने आप। बहुत प्यार करती है भाई, इतना प्यार करने वाली तो मैंने खातून ही नहीं देखी। कल ही 4 जोड़ी कपड़े आपके मंगा के रखे हैं कि मरने के बाद लट्ठा महंगा हो गया तो क्या होगा। क्या बदतमीजी है? हम चाय पीएंगे? हाँ। बनाएंगे तो बोलो। सरकार एक बात बताइए। हाँ। ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी की बता, खाना खाएंगे? हाँ। लंगर लूट के लाएंगे तो खिलाएंगे? अरे क्या बदतमीजी है, मैं क्यों हंस रहा है?
भाई दिल कर रहे हैं आप पे हंसने, पूरा मोहल्ला हंसता, उनको तो कुछ नहीं कहते आप। मैं बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं ऐसे ही करूँगा। अच्छा सुन, वो नहीं है मेरा भाई जबलपुरी है, जबलपुरी मेरा भाई, उससे इंतकाम लेना है, तुझे तरकीब सोचने के लिए कहा था। क्या हुआ? ओ इंतकाम, भाई भाई से इंतकाम लेगा। आप लोगों को डूब के मरना चाहिए। क्यों? छोटी सी दौलत के लिए आप लोग एक दूसरे को मार रहे। अरे भाई भाई को मार रहा है, इस चक्कर में खुदा की कसम ये दौलत सब यहीं रह जाएगी, सिर्फ आपके आमाल आपके साथ जाएंगे। और ये बता दूं आपको मैं, दोजख में आग नहीं होती, हर आदमी अपने हिस्से की आग अपने आमाल नामे पे रख के लेकर जाता है। अभी भी वक्त है भाई से जायदाद का झगड़ा खत्म कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। नहीं करूंगा, मेरा फर्ज था समझाना, अब मैं गंद करूंगा। आइए अब सोचिए क्या कहना, आप बताइए। मुझे तरकीब बता, मैं उसे इंतकाम लूं। वो भी बताऊंगा। देखो भैया, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, पहले नेकी का रास्ता दिखाया, अब बदी का दिखाऊंगा। आप माने नहीं, वो आपकी मर्जी, मुझे सवाब मिल गया, अब आपको फंसवा रहे हो। हाँ बाबा, देखिए आप चाहते हैं आपके अपने भाई से बदला लेना, ठीक, वो भी चाहते हैं आपसे बदला लेना। मैं तरकीब ऐसी बता रहा हूँ कि आप पागल हो जाएंगे तरकीब सुन के, इंशाल्लाह आप देखिएगा पागल हो जाएंगे। मैं पागल हो जाऊंगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसी प्यारी तरकीब। तरकीब क्या है कि आपको जरा सी कुछ थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ेगी। करूंगा। करेंगे? जो कहेगा करूंगा। करेंगे? मुर्गा बन जाए अभी ले। सौ सुनार की और एक लोहार की होती है सेठ साहब, लेबर के हाथ में जब सेठ फंसता है तो फिर ऐसा ही होता है भाई। इधर आइए, तरकीब सुनिए, डरिए मत। तरकीब क्या है? तरकीब ये है कि मैं आपको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला करूंगा कि उस बीमारी की वजह से आपका भाई आपसे इंतकाम लेना चाहेगा और अपने आप को खुद मारेगा। कैसी बीमारी? वाह, कैसी बीमारी? बीमारी बता। बीमारी सुनिए, बीमारी है खैरिया। खैरिया? मुस्तकिल जहन्नुमा। मुस्तकिल जहन्नुमा, दोज़ख उल आसार, फिसाद खून व खारिश, इब्तिदाई कैंसर। अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा? आप कहिएगा सऊदी अरब की बीमारी, हमारी समझ में नहीं आ रही। मुस्तकिल खारिश उल फिसाद खून कयाम उल दोज़ख इब्तिदाई कैंसर, याद कर लीजिए, ये आपका मुकाम भी और पता भी है, ठीक है। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या, जरा ये सुनिए, इस बीमारी के अंदर आपको करना क्या है मैं उनको बताऊंगा कि आपकी बीमारी ये है कि आपकी जो जिस्म की जिल्द है, मतलब खाल जो है, वो इतनी हसास हो चुकी है कि अगर कोई अपने मारे तो आपको तकलीफ होगी, अपने कट मारे आपको तकलीफ होगी, अपने को चप थप्पड़ मारे आपको दुख होगा। ये आपने साबित करना है, और जब आपके भाई को पता चलेगा कि आप जो है इस बीमारी में है तो वो सारा दिन अपने आप को मारेगा। खुदा की कसम, क्या बीमारी है, कसम ईमान से बावले, मजा आ गया। नाम ने बिगाड़ी, चरिया नाम, बावला कहेंगे फिर वो वालदेन को तकलीफ होती है। ठीक है, ठीक है, रिहर्सल रिहर्सल कर रहा था मैं। आइए अब देखिए, आप मैं हूं, मैं आप हूं, आप मैं आप हूं, मतलब आप अपने आप को मारिए, मैं बताऊंगा कैसे आपको तकलीफ का इजहार करना है। चले शुरू हो। ना मारिए शेर साहब, प्लीज ना मारिए, खुदा का वास्ते थप्पड़ मत मारिए, मेरी जिल्द में तकलीफ होती है, लीला मत मारिए। यार जोर से मारो, ये क्या कर रहा है आप, थप्पड़ जरा टिका के मारिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये थप्पड़ जब तक टिक के नहीं लगेगा आपको पता नहीं पड़ेगा। अबे तू नौकर है? मैं नौकर हूं, मैं गुलाम हूं, मैंने आपको कोई ऐसी बात तो नहीं की। थप्पड़ अपनी जगह पे, थप्पड़ जब तक सही नहीं होगा बात सही नहीं बैठेगी। आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपके पैरों को हाथ, थप्पड़ अपनी जगह पर, क्योंकि रेलसेल का मेन मतलब है थप्पड़। जब तक थप्पड़ नहीं पड़ेगा, आप मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े बूढ़े, थप्पड़ अपनी जगह पर, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके पैरों को हाथ, में मजदूर हूँ, गुनाहगार हूँ, थप्पड़ अपनी जगह पर है, क्योंकि मैं आपको सरकार नौकरी मिल जाएगी। वो सर आपको वो बुरा मान गए। अबे ये कैसी रिहर्सल है, मैं ही फंस रहा हूं। बीमारी भी तो आपको है, तो तकलीफ भी तो थोड़ी आपको उठानी पड़ेगी कि नहीं? वेरी गुड गुड, समझ में आ गया मेरे, आ गया ना। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको रिहर्सल कर रहा हूं, मैं अपने आपको मार रहा हूं, आप तकलीफ का इजहार करें। ठीक है, आए 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 आए। बस आपका पता चल गया। अबे क्या बदतमीजी है सरकार, आप पास हो गए इम्तिहान में,
सही है, आपकी अदाकारी कर सकते हैं। बस तू बेगम को बुला, बस बस मैं बेगम साहिबा से स्टार्ट लेते हैं, अगर उनको यकीन आ गया तो समझ लो ये बीमारी सुपर हिट है। अरे ठीक है, आपको याद है जहाँ पड़े आए अल्लाह, हाँ वेरी गुड गुड। मेरे अपने बस वेरी गुड, रिमोट कंट्रोल ओके, बेगम साहिबा बुला रहा हूँ। अच्छी ऐसे ना चीखे जैसे को पिल्ला काट लेता है, ना करें दर्द तकलीफ उई आए वाली, उई आए उई आए उई आए उई आए, लिख के रख लेंगे हमें उई आए उई आए। क्या है ये सर, मर गया जालिम, ये वाली आ मर गया जालिम, आई लव इसी तरह घेरा लगाया किराया निकल आएगा इंशाल्लाह। एक मिनट मैं बुला बेगम साहब, तड़पी तड़पी है, आए, आए, तड़पी है, तड़पी है, तड़पी तड़पी बेगम साहब, लोटिए लोटिए बेगम साहब, लोटिए लोटिए, घास खाने को दिल करता है, लेटिए 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 बेगम साहब। चूड़ियां तोड़ी है, पागल हो गया क्या, लट्ठा पहनी है, अरे बेवा होके कैसी लगेगी तू ए जमालो। मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, बगैर पैसे के नौकरी करने वाला ये नौजवान आपको बता रहा है बेगम साहबा इनसे मिलिए, मुस्तकबिल के होने वाले मरहूम, अनकरीब मरहूम होने वाले। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे तू, अल्लाह ही करेगा को रशिया तो नहीं करेगा बेगम, इसका यही अंजाम है, इसलिए कि इनको बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है। नहीं मैं बताऊंगा, नहीं नहीं मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। कौन सी बीमारी हो गई, क्या हो गया इन्हें? सैदुल खारिश गुना जानुमुल मुकामुल कयाम वजीरल जानुमुल दोज़ख के इब्तिदाइल कैंसर है। ये कौन सा अरबी कैंसर है? ये गाजी सलाउद्दीन अय्यूबी के लश्कर में एक सीपा सलार को हुई थी ये बीमारी, उसके बाद इन्हें हुई है, दूसरे आदमी है ये। कहाँ से लगी इन्हें ये बीमारी? चिड़ियाघर में बंदर को सताने जाते थे, बंदरिया ने गोदियां फैला के कहा के अल्लाह जिस तरह मेरा बंदर मरा है, अल्लाह करे तेरा बंदर भी ऐसे ही मरे। बेवकूफ आदमी, पागल हो गया क्या तू? अल्लाह बक मारा, अरे चिड़ियाघर कह के लिए गए थे तुम? पता नहीं, जानवरों को देखने जाते हा? ये जानवरों को देख के खुश होते थे, जानवर इनको देख के खुश होते। हम बचेंगे नहीं हा? बचेंगे नहीं, कैसी बीमारी है, कैसी? ये मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। या अल्लाह, इस मरस का तो बचता ही नहीं, मर जावे। कैंसर, कैंसर का? कैंसर तो बच्चा है इस बीमारी का, इब्तिदाइल खारिशुल फिसादुल खूना है भाई ये। खारिश खूना? जी हाँ, जिल्द हसास हो चुकी है। हसास? अपने मारो इन्हें लगेगी। नहीं, नहीं, इनके सामने कहीं अपने कट ना मार, इन्हें जख्म पड़ेगा। बचेंगे ना, ये ना बचेंगे, ये तो मर जाएंगे। देखो ना, मारो, यकीन नहीं आता, ट्राई। ये ना आए, 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 नहीं बचेंगे, बचेंगे ना, ये मर जाएंगे। डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा? डॉक्टर ने कहा बचेंगे ना, मर जाएंगे। इसका इलाज तो कुछ बताया होगा? इसका इलाज है मर जाएंगे। सत्यानाश है, कब सही सही बता मुझे। एक ही इलाज, थप्पड़ लाते घूसे, थप्पड़ लाते घूसे, ये पढ़ते रहेंगे तो खून में रवानी रहेगी, वरना खून रगों में जम जाएगा। नहीं, नहीं। जम जाएगा तो एक ही आवाज आएगी, बचेंगे ना, नहीं, नहीं। ये मर जाएंगे, बचेंगे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी, जिंदा रखूंगी, जिंदा रखूंगी, जिंदा रखूंगी, जिंदा रखूंगी। हाय अल्लाह, ए अल्लाह, कुल मोमिन मुसलमान शहरों को ये बीमारी हो ताकि बीवियां अपने आप को खुद ही मारे। अल्लाह अल्लाह, कहां से लगा ये बीमारी, क्यों मैं चिड़िया घर तुमसे पहले गए मर जाओ। हाँ, क्या मैं ऐसा करती हूँ,
अम्मी को टेलीफोन करती हूँ। अम्मी से कहिए अगर आ नहीं सकती तो वहीं अपने एक डंडा मार ले, इन्हें सुकून मिलेगा। हाँ, ऐसी करती हूँ। और तुम एक काम करो, जी जी, तुम ऐसा करो एक लोगों और रख लो जी, मेरे थप्पड़ मारना रहे। सबर कीजिए, सबर कीजिए, सबर कीजिए, सबर कीजिए। आए आए बेगम साहब, मेरा दिल गवाही दे रहा, बचेंगे ना ये, मर जाएंगे। अरे सर में तो बड़ा खून रवा हो गया, कोई सर पे भी मारो वरना सर में खून जम जाएगा। देखा, ये फायदा होता है जाहिल खवातीन से शादी करने का। अभी पढ़ी लिखी होती तो जूती निकाल के कहती कमीने ये बीमारी है कहाँ की, इसका तो साइंस की किताबों में जिक्र नहीं है। क्या है? वैसे मेरा दिल कह रहा है क्या बचेंगे, मर जाएंगे। चले बासुन, बस किसी तरह से मेरे भाई को ये बीमारी बता दे, अब 15-20 डंडे सामने रख दे उसके। आपके भाई को ऐसी जज्बात उभार के बीमारी बताऊंगा, अपने आप को मार मार के क्या मोहल्ले वालों से अपने आप को पिटवाएगा। नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। आप एक काम कीजिए, कपड़े ले जाए, इनको धो के सुखा दीजिएगा। अबे मेरे, हाँ आप ही के हैं इसलिए तो मैं नहीं दूंगा। दे, 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 दे। आप चौकन्ने रहिएगा अंदर, किसी वक्त भी थप्पड़ पड़ सकता है, आपको उसका रिएक्शन करना है। सही है, ठीक है, ठीक है। बावले नाम ना बिगाड़ा, चरिया बोले जो वालदेन ने रखा हुआ है, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। चलो अल्लाह का एहसान हो गया, करम हो गया। पत्ती चली गई, कमबख्त दोपहर को सोने भी नहीं देते। हाँ जी, कैसे बत्ती गई? कौन सी बत्ती? मेरे कमरे की कमबख्त। ऐ मासूम गाय, तुम कब तक मुंह खोल के फिरती रहोगी, कब घर के हालात का तुम्हें इलम होगा? क्या हुआ? बचेंगे ना, मर जाएंगे। खुदा ना करे उनके घर खैरियत तो नहीं है। खैरियत क्या बात कर रहे हैं आपको किसने बताया? मुझे क्या बात, वही तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ। बड़ी जबरदस्त बीमारी हो गई आपके भाई को। खुशी की खबर मत छुपा, बोल क्या 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 बोल, खुशी खबर ऐसे थोड़ी सुनाऊंगा, माल दूंगा माल, बीमारी बेचूंगा आपको, क्योंकि उस बीमारी में आपका फायदा है। आपको बीमारी पता चलेगी, आप अपना इंतकाम ठंडा कर सकेंगे, और इंतकाम भी ऐसा होगा कि आप उसे मारेंगे लेकिन पुलिस का केस नहीं बनेगा, आप चाकू भी मारोगे तब भी केस नहीं बनेगा, क्योंकि उसको बीमारी क्या हुई है वो मैं आपको पैसे लेके बताऊंगा। 100 रुपए या आदमी खरीद रहे हो या पिल्ला खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो? 500 रुपए 500 में तो यहूदी नहीं मिलता, मुसलमान खरीद रहे आप। 1000 रुपए ये आप लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के रेट गिराए। 1000 में तो कल खाली मैंने जमीन बेचा, आप पूरा जिस्म खरीद रहे हो। तू बता, 2000 में आपका हुआ, चल ठीक है, मुसलमान आपका। मुबारक हो, आपने इस्लाम कबूल किया, थैंक यू। अब आप सुनिए, बताना क्या बीमारी। सर बीमारी सुनिए, बड़ी खतरनाक बीमारी आपके भाई को हुई है, हसासुल जिल्दुल अमराजिया, अमराजिया अलिप्तिदाल कैंसर। ये बीमारी इतनी अजीब है कि इसमें इंसान के जिस्म की खाल इतनी हसास हो जाती है कि अगर कोई अपने आप को मारे तो उसको तकलीफ हो। सच कह रहे हैं? झूठ बोल रहा हूं, आप ट्राई करके देख लो, ट्राई करो। अच्छा, हाँ। आए, ये कौन है? मैं मुंह धो रहा, साबुन आंखों में चला गया। साबुन आंखों में? सच बोला कि नहीं बोला? बोला ना। आप सोचिए कितनी सच्ची बीमारी है। आप एक काम करें, मैं आपको बम ला के दूंगा, आप बम खा जाएं। हाँ वो फटेंगे, वो फटेंगे, वो फटेंगे, नहीं तो कसम। अरे भाई सुन लो भाई, बम नहीं, बम नहीं, मिट्टी का तेल पी के माचिस खा जाओ। ये भी नहीं भाई। हाँ मैं वैसे इसे अजियत पहुंचाना चाहता हूं। अजियत तो थप्पड़ मारो, चमाटे घूसे लाते मारो। आए मैं बेसन में गिर गया। अबे यहाँ बुला के मारना चाहता हूँ, यहाँ बुला के मारना चाहता हूँ। उसको घसीटो, पाल से घसीटते आओ।
दो चुटिया कर दूं या पोनीटेल बांधूं? तो बुलाऊं से ये लो। बता दिया जालिम, बता दिया दुश्मन को। किसने? तुमने बीमारी बताई आपके भाई को, इसलिए के मोहल्ले में नहीं फैले। दुश्मन अब पता चलेगा। नहीं सेठा छोड़िए, आपस की बात। घबराओ, हमारा आपस की बात मत बोलो। हमारे मुसलमान भाई भाई होते आप क्या? भाई जान में जाए आए लो, इसी सोच से ना हमारे लिहाज कीजिए, आपके भाई हैं। ऐसे आए आए इसको अंधा कर दूंगा। ना ना करो, खुदा ना करो, ना ना प्लीज, ये ना ना ये ना कीजिए प्लीज। अल्लाह देखिए अंधा कर रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है। देखिए आप घबराओ मत बोलो, नौकर हो। अल्लाह 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 अल्लाह। हाफ़िज़ जी आओ, रोड पार करा दूंगी। ए लमिया मेरे दो हाथ हैं, काश 15-20 हाथ होते तब बोटियां नोच लेता। इन हाथों को गैरों के हाथ क्यों समझते हो बाबा? आर्डर तो करो, ये भी तुम्हारे ही हाथ हैं। एक दफा बोलो तो सही आका, फिर मजदूर की मजदूरी देखियो, बोलो तो सही। तूने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पहले कहा कब था? शुरू हो जा। शुक्रिया। आए 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 आए। कुमार है रे? अजय याको भी आ रही है, मेरी दिहाड़ी है। कौन दिहाड़ी है? क्या वो मेरी दिहाड़ी है यार। अबे यार क्या बात कर रहा है? किसकी बात क्या कर रहा है यार? उनने खुद ने बोला मारो मेरे को। किसने? उन्होंने, वो हमारे ये वाले साहब को बीमारी हो गई है, इनकी खाल की जो जिस्म की खाल है हसास हो गई है, अपने आप को मारो उनको तकलीफ होती है, इसलिए मेरे से पिट रहे हैं वो। हैं? ईमान से? नहीं सर साहब। सही कह रहा है, तू भी शुरू हो जा। मारो। क्या कह रहे हैं सर साहब? तू भी शुरू हो जा। मैं भी मारू? मारो। चल गया कि इनको बीमारी है, हम दोनों से पिटा है। बता दिया क्या उन्हें भी? मैंने नहीं बताया, झूठ बोलूं इनकी कसम इन्हें सुबह देखनी नसीब ना हो। चलो अंदर। चलो तू जा, तू जा, तू जा। तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं नहीं आओगे? नहीं। चलो। बेगम साहिबा मुझे डर है सर का खून जम जाएगा। अबे यार छोड़ यार, ये क्या बीमारी है? अंदर भी सेठ मुझे कह रहा मुझे मारो मुझे मारो, मैं इसको जान से मार दूंगा। मैं बता, जीने के नीचे कीलों वाला डंडा रखा है। किधर? उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ के पास। मैं मार दूंगा। लो चले या खूब, तेरी मेहरबानी बाबू, मार दूंगा। मार दो, खत्म कर दो इन सेठों की जायदादों पे कब्जा कर लो। यही चाहता हूं मैं, यही मेरा प्लान। Yeah.
आप हमें कुछ सवाल बता दो, वो नीलाम घर में ना और बहुत अच्छी आई, वो जीतनी है। कार जीतनी है? अरे तारी कशिश तो किसी को साबुन दानी नहीं दे। आप गाड़ी की बात कर रही है? फिर भी तुम बताओ, हो सकता है हम जीत जाए, बताओ ना। अच्छा पूछिए। अच्छा पहले तुम ये बताओ तुम गए कहाँ थे? मैं हम कपड़े बेचने गए थे, इंसानियत को कपड़े बेचने गए थे। इंसानियत के अपने कपड़े कहाँ है? वो उन्होंने गुनाहों की गठड़ी में बांध दिए हैं। ये गुनाह क्या होता है? ये दौलत की पैदावार है। और ये दौलत क्या होती है? ये करप्शन की पैलोठी की औलाद है। और ये करप्शन क्या होती है? ये एंटी करप्शन वालों के लिए बनाई गई है। और ये एंटी करप्शन क्या होती है? ये रिश्वत लेने वालों को पकड़ते हैं और देने वालों को छोड़ देते हैं। तो लोग रिश्वत देते क्यों हैं? भाई सजा से बचने के लिए। अच्छा एक बात बताओ। बोलो बोलो बोलो। कि जब डाका पड़ता है तो पुलिस इतनी देर में क्यों आती है? भाई कपड़े बदल कर आने में देर तो लगती है ना, ये तो इंसाफ की बात है ना। अच्छा एक बात और बताओ। बोलो 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 बोलो। अगर कोई खत लिखे तो उसको जवाब देना चाहिए? बिल्कुल, कोई खत लिखे उसे जवाब दो, कोई सलाम करे उसे जवाब दो, ये मुसलमान का फर्ज है। अगर कोई तस्वीर भेजे तो उसे बड़ी करवा के इलाके के थाने में लगवा दो। और अगर कोई खाली सफा भेजे तो उसे पेन भेजो। अगर फिर भी खाली सफा भेजे तो फिर उसका पता करो वो टुंटा तो नहीं है। और अगर कोई अपनी बहन बनाने को लिखे तो फिर वो लड़का नहीं होगा। हमने कोई लड़का ऐसा नहीं देखा जो बहन बनाने को लिखे। ओहो पता है वो पता नहीं कौन सी जबान में खत लिखता है, तुम्हें जबानें आती हैं? लो हमें, हम तो हैं ही जबान दरहस, 15 जबानें बोलते हैं 41 लिखते हैं। हमारा खत पढ़ दोगे? ओ यस। क्यों डैडी को बता दिया तो? अरे क्या हुआ, डैडी के कई खत मेरे पास पड़े। मम्मी को तो तुम बताओगे? नहीं नहीं मम्मी मॉडर्न है, खत नहीं लिखती। लाइए अब पढ़े। पढ़ी? ये तो मलबारी में खत है। ये लड़का मलबारी है क्या? नहीं देखो हम मलबारी भी आती है मेरे को पढ़नी। आती है? हाँ। मैं एक दफा मलबार में भी पैदा हुआ था। क्या मतलब है? हाँ मैं पहले ईरान में पैदा हुआ ना, वहां फट्टे हो रहे थे तो मुनासिब नहीं समझा, फिर मलबार में पैदा हुआ। लिखे? इधर आके सुनाओ ना। सुना रहे ना भाई, खाता आप बोलो। तर्जुमे के साथ? तर्जुमे के साथ सुनाते। लिखा है इल्ले अंटे नारकुंडी अंटे पोड़ चिल्ले। इसका मतलब है मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है तुम भी खैरियत से होंगे। గిడిగిట్లే అంటే ఇల్లే మాకుడో వట్టడే మొబ్బుతాడే ఐ లవ్ యూ వట్టయ్య అంట వట్టడి ఏదో మొబ్బుతట్టని చాందడి అట్టయ్య వట్ట మావుడు ఈ క్యా బోల్ రే ఇస్కా మతలబ్ హై క్యా తుమ్ బి మేరి తరహ చాందని రాత్ మే చాంద్ కో దేఖ్ కే ముజే యాద్ కర్తి హో ఆగే ఉడి ఆగే మలబారి బహుత్ తపావా భై క్యా కహ రహే గుస్సే మే క్యా కహ రహే ఇల్లి మాట ఏరాలి మొబ్బుతాడు అట్టడి వరియాలి మొబ్బుతా వడవి ఎన్నో తాడి ఓట చాకుడేయల అట్టడియన వాళ్ళదే అట్టయ్య మావుడు అట్టడియ మదరియాడవా इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर तुमने मुझसे शादी का वादा नहीं किया और तुम्हारे माँ बाप ने कोई पंगा किया तो मैं उन्हें चाकू मारूंगा और तुम्हें लेके भाग जाऊंगा। चार्ली बोलो बोलो। तुम हमारा खत लिख दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर एक शर्त है। किसी को बताओगे नहीं? नहीं एक शर्त है। क्या? आप खत हमसे ही पढ़वाएंगे। क्यों? जरा इससे दिल की भड़ास निकल जाती है। अल्लाह तू ही गरीब होगा। अब इस बेवकूफ को क्या पता इसे मलबारी बन के खत भी मैं ही लिखता हूं। क्या चक्कर चला रहा है इस घर में बाबला तू? अबे तू क्या पायलट बन के फिरता है और सारा दिन कागज के झाल उड़ाता रहता है? अबे यार बचपन के शौक इसी तरह पूरे कर रहे हूँ यार। मैं तो बाबू डिस्को डांसर। यार ये बेल्ट में कील लगी हुई है ये मुझे दे दे, अपने सेठ साहब का सर फाड़ दूंगा मैं ईमान। यार वैसे देख ईमान से यार फंसा दिया मुझे यहाँ लाके यार, किसी को पता नहीं चले क्या समझे? अगर अगर किसी मसलहत के तहत यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तेरे को तो पता ही, सारा प्रोग्राम बताया यार, खामा का पुल खुलवा। तू तो यहाँ पर ये कह के लाया था कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों फंसाया यहाँ पर? तूने भी तो गर्लफ्रेंड बना ली, फोकट में लड़कियां देखता है।
ये बात तो है। तनख्वाह अलग से मिलती है, खाना पीना फ्री है, छत पे दोनों भाई सोते अलग से। अरे कहा यार, 11 महीने की तनख्वाह नहीं दी है इन लोगों ने। अबे छोड़ तनख्वाह को, ये बता सब मामला सेट चल रहा है। अरे क्या सेट चल रहा है यार, ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। इतना अबे यार ये तो कुछ भी नहीं है बाबू, समझे? अबे घर में टोपी उतार दिया करे, ये तो कुछ भी नहीं है। कसम खुदा की हमारे चाचा तो इससे बड़े अकले थे। बदल क्या उड़े वो, एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए, वो बच्चे की मुबारकबाद देके वापस आए। बात तो सुन यार, यार बात तो सुनो यार। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं हो रही है। अच्छा, और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले? अबे तो अंडे में से चूजा ही निकलेगा, हाथी का बच्चा तो नहीं निकलेगा यार। तो शादी के बाद बच्चे की मुबारकबाद होती है, तलाक की नहीं होती बाबू। अबे तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं, खुदा की कसम तेरा कोई दीन ईमान नहीं है। जहां देखो लड़की खड़ा हो जाता है, फ्लैट के सामने, मकान के सामने, दुकान के सामने। कोई कैरेक्टर है तेरा? ए, कैरेक्टर है? तू तो आगे बंद कर लेता, लड़की ना देखूं आगे बंद कर लूं, रिक्शा से टकरा जाऊं, ये चाहते हो तुम? वो इलियास पान वाले के सामने जो नए फ्लैट बने वहां क्यों खड़ा होता है तू? अबे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, अल्लाह का करम है, 25 साल का फ्लैटों के सामने खड़े होने का तजुर्बा है भाई। अच्छा कुछ उस एक्सपीरियंस में कुछ किया तूने? क्या किया मेरे, आजकल मेरे इशारेबाजी के स्टाइल पूरे शहर में आम है। देख ये नया स्टाइल अभी दिया है 6 महीने पहले। ए, ये अबे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर मिलो। ए, देख इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर मिलो, और अगर तुम इधर उधर नहीं मिलना चाहते तो बीच की मांग निकाल के जाओ। इसका मतलब है सीधी आ जा, सीधी आ जा, इधर उधर खतरा है, सीधी आ जा, सीधी आ जा। अबे बड़ा चालाक बनता है, अभी पता चल जाता है कितना जानता है तू। अगर आदमी गंजा हो तो इसका मतलब है मैदान में मिलो। अबे अबे बड़ा पक्का है तू चार्ली बांध। अच्छा फिर क्या हुआ? क्या हुआ क्या यार, मैं तो वहां पे खड़ा होता था फ्लैटों के सामने, अपनी जो ईद तरह का पता स्टाइल। एक दिन खड़ा था उधर अपना क्या नाम है पान वाला इदरीस के उधर, पान के खोके बाद तीसरे माले पे लड़की थी भाई उस्ताद सुनी, मेरे को देखा किटविट में लड़का यार, स्टाइल बैड बैड यू नो लाइक मथन चक्रवर्ती। मैं खड़ेला बाप ऐसा पान वाले की दुकान पे गया, ऊपर वो खड़ेली, उसने मेरे को ऐसा इशारा मारा, ए फिर बोली ऊपर आ जाओ फिर। अरे मैं बाप संभला, मैंने बोला ए अब्बा, बोलेगी नो अब्बा, अब्बा इज दबा कमान। उसने तुझे ये कहा कि अब्बा नहीं कमान ऊपर आ जाओ? तू गया ऊपर? नहीं, मैंने बोला तीसरी मंजिल पे पैदल कौन आएगा, बोलेगी मैं जो हूँ। उसने सब्जी की टोकरी फेंकी, मोस में बैठा, उनने खींची, मैं ऊपर। भाई 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 अपने से नहीं बर्दाश्त हो रही। अबे हम भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते, इतनी लंबी तो नहीं छोड़ी यार। अबे सब्जी की टोकरी में कौन ऊपर जाता है यार, मेरा दिमाग फट जाएगा यार। पूरी बात तो सुनता नहीं, उनने टोकरी फेंकी, मैं बैठा, उनने खींची, टोकरी टूटी, मैं सीढ़ियों से गया था। पूरी बात तो सुनो यार। तो पूरी बात बता दिया करना जल्दी से यार, हम भी आदमी देख के छोड़ते हैं बाबू। अच्छा फिर क्या हुआ? हुआ क्या भरी जान, मैं ऊपर गया तेरा भाई फिटविट में जोनो। अबे ऊपर गया, आगे बात कर यार, पूरा बताऊंगा जीना यार। हाँ। मैं ऊपर गया, दरवाजा खोला, उधर अंदर देखा, अबे उसका बाप बैठा हुआ दाल चावल खा रहे। मैं ये खींच के मार दूंगा दोगले, अभी कह रहा था कि लड़की ने इशारा किया कि आ जाओ, बाप नहीं, अभी कह रहा बाप बैठा था। वही तो मैं भी तपाऊं। हाँ, मैंने कहा कौन है तू? वो कहने लगा मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ आता हूँ बस भाई, इतना कहना था। फिर एक अजीब अफरा तफरी शुरू हो गई कमरे में, ओए होए हो, डंडे चले, बोतलें चली, ये वो हुआ। मैं तो उसके बाप के लिपट गया, उसको नहीं छोड़ा। जितने डंडे मुझे पड़े उतने उसके बाप को भी पड़े। तूने मारा? अरे मैंने मारा पंगा, मैंने बोला भैया क्या मेरे को कहे ने बोला, बातें सुना रही है तू? तो तूने कहा नहीं कि तेरी बेटी ने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बोला तेरी बेटी ने बुलाया यार, ये देखो इसने मेरे को इशारा करके बोला ऊपर आने, बोला तूने इसकी बात का एतबार क्यों किया? मैंने कहा तुम कहना पागल का बच्चा, ये देख सर्टिफिकेट, इसका तो इलाज हो रहा है, ये तो पागल है। अबे खुदा की कसम चार्ली, बच गया तू तो, अगर तेरी शादी हो जाती तो बच्चे ऐसे ही हो जाए। अबे यार चार्ली, मेरा ख्याल है हमारे नसीब में शादी है ही नहीं यार। यार मेरे तो नसीब में 3-4 हैं बाबू। अरे यार छोड़, अभी थोड़े दिन पहले 3 महीने पहले की बात है, अच्छा खासा दूल्हा बनते बनते रह गया यार तू। हाँ, सहरा बन गया, घोड़े पे बैठ गया, बाराती आ गए, बाजे बाजे शुरू हो गए, बैंड बाजे ने धुन बजाना शुरू कर दी, मुखड़े पे सहरा डाले आ जाओ आने वाले। चार
अबे रुक जा वो भी इसी तरह बजाए चले जा रहे थे यही बाजे वाले थे। हाँ अबे इनको मैंने बड़ा तपाया। कैसे? ये हमारी बिल्डिंग में आता था इतना बड़ा मुंह खुला हुआ, मैं ऊपर से बजरी डाल देता था। अबे नहीं फिर कैसे बजा देते? अबे चार्ली यार बिल्कुल इसी तरह बैंड बाजे बज रहे थे, चारों तरफ बाराती थे, मैं सहरा बांधे हुए घोड़े पे बैठा हुआ था, ऐसे में शोर शराबे का फायदा उठाते हुए किसी जलील बाराती ने बड़ी घटिया हरकत की। अबे जलता हुआ सिगरेट लेके घोड़े के यहाँ पर लगा दिया। खुदा की कसम घोड़ा ऐसा भागा, भागे चला जा रहा है। मियां वो दिन और आज का दिन है भगोड़ा दूल्हा मशहूर हो गया। बड़ा दुख हुआ बाबू, मगर तेरे से ज्यादा अपनी कहानी में ट्रेजेडी है। क्या? तेरा तो निकाह नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं, मेरा तो निकाह हो गया था। अबे नहीं, काजी के बराबर में बैठा था बाबू, मैंने तो उसकी जेब भी काट ली। अबे क्या कह रहे हैं? सही बोल रहा हूँ, अचानक अब्बा ने चिरान करी, वो आए और छुआरों की जगह पे चने बांटने शुरू कर दिए। क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ यार? अबे साले मैं खींच के मार दूंगा तुझे। अबे छुआरे की जगह चने कौन बांटता है यार? अभी तुम्हारा घोड़ा हमने रोका था, दोस्त का घोड़ा था इसलिए भागने दिया बाबू, ऐसा वैसा होता भागने नहीं देता, और हमारी टेम पे ये कर रहे हो। अबे हम भी आदमी देख देख के छोड़ते हैं बाबले, सिगरेट घोड़े के थोड़ी मुझे लगाई थी। अबे यार खुदा की कसम। अच्छा ये बताइए चने बांटने का क्या फलसफा है यार? यार अब्बा के हमारे अजीब ही आइडिया था। क्या? बोलते हैं कि निकाह में चने ही बांटने क्यों, क्योंकि औरत की शादी होती है और मर्द की मैयत उठती है, इसके हिसाब से चने ही बांटने चाहिए। अबे पॉइंट में दम है वैसे। वैसे अखबार पानी उबल गया आके मुझ पे डाल दे। अबे खुदा की कसम आने से पहले भी 16 घूसे 14 थप्पड़ मसेरी से उलट के आया था यार, फिर भी कह रहे मार मुझे यार, मैं इसको कत्ल कर दूंगा। एक मिनट ठहर, मैं रूह अफ़ज़ा में तेजाब डाल के लाता हूँ, वो पिलाएं। जल्दी ला। खेल के सहेली घर चली गई होगी, जल परी को भेज के बुलवा ले। एक तो गई भी है, दूसरी को भी भेज दूं? ऐसी तरबियत से तो बेहतर है कि माँ बाप डूब के मर जाए। अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो गला घोट देती। गला घोट देती, बढ़िया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बेगम साहिबा, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी पर नजर रखें, उसकी सही तरबियत करें, क्योंकि कल को उसको दूसरे घर में जाना है, उसे सारी जिंदगी आपके घर में थोड़ी बैठना है। नजर रखिए कि कहीं इधर उधर ना चली जाए वो, समझिए आप। बातों में मैं बताना भूल गया था बेगम साहब, आपकी बेटी भाग गई। क्या बकवास कर रहा है? जी हाँ, पाइप के जरिए भागी है। जा जा के उसके बाप को बता। मैंने उनके वालिद को बताया, वो कह रहे हैं ठीक ही तो पाइप के जरिए भागी, अगर घर में जीना होता तो पाइप के जरिए क्यों भागती। चल मेरे साथ। आइए एबी जरा सुनो तो, ऐसे वालिदैन को तो डूब के मर जाना चाहिए। चल कल वही। अरे इसको तो टाइम मिलेगा, भारी है सीरीज आई। मैं कहती हूँ बड़े नवाब साहब आने वाले, बेटी का रिश्ता लेके पता करो तुम तुम्हारी कहाँ चली गई। पहले ये पता करो बेगम कि हमारी तरबियत में कौन सी गलती रह गई है जो बेटी ऐसी हो गई है। ये सब तुम्हारी दीवी ढील है। ढील तो मैंने तुझे भी दे रखी है। क्या? सारा मांझा खत्म हो गया, बस ये चरखी रह गई है। किसी दिन यही चरखी तेरे सर पे दे मारूंगा। बेकार की बकबक नहीं किया करो। अबे ये क्या है? सरकार पर्दा करा ले। क्यों? मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। हैं? ये पागल हो गया क्या ये? मैं गंडे दे बाहर खड़ा हूँ, मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं क्यों खड़ा हुआ तू कंगी-अंगी करके। जिस दिन भी कंगी-अंगी करता हूँ तो इतना प्यारा लगता हूँ, सारा मोहल्ला कहता है तू कंगी मत क्या कर भाई। क्यों? पता नहीं क्यों ऐसी चमक सी आ जाती है मेरे में। वो कह रहे हैं बाहर क्यों खड़ा हुआ तू, मैंने कहा वो हमारा रिश्ता आने वाला बड़े नवाब का। फिर तो बड़े नवाब साहब तो आए नहीं, 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं वहाँ पे। अबे जाकर देख। कहाँ देखूँ? वहां तो कोई आया नहीं, एक लंबी सी गाड़ी आई है, ड्राइवर कह रही है अंदर नवाब है, मैं गाड़ी देख ली नवाब साहब तो नहीं है। अरे पागल वहीं कहीं होंगे, जाकर देख। बखाली टिक्की रह गई है साहब। ये क्या है? अरे ये बड़े नवाब साहब को भी जलील करवाएगा। हम रिश्ता आ गया, अब शादी किससे कराऊंगा? तुम
मुझसे। ठीक है, मेरे शादी होगी। खबर बेकार की बातें मत करो। बेकार की बात है, कमबख्त मारी बेटी घर पे है नहीं, रिश्ता आ गया, अब पता मैं क्या करूं। तू परेशान क्यों होते हो? मैं कह दूंगा मैं यतीम। ये किसने उठा लाया ये? आए है। अरे किस बोले? ये बोलो जैक के ऊपर खुद कड़ा हुआ एक आदमी से कह रहा जैक चढ़ाओ और दीवार में झांक रहा जैक चढ़वा गई है। ताड़ू है ताड़ू 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 एंड झांकू। चलो मार रहा क्यों मार रहा क्यों मार रहा? अरे पूरा आदमी है। अबे तू बताता क्यों नहीं है? बताना क्यों नहीं है? पूरा आदमी यार बोल नहीं रहा। वहां भी बाहर स्कूल की लड़कियों की छुट्टी हुई तो यूं घर आ चुप घुन्ना। वो सब कह रही है मुन्ने पियाई मुन्ना बना खड़ा यूं। वो तो मैंने यूं यूं किया तो मेरे शेप चुभी है यहां पर। ये चुप्पू है क्यों आए? कौन है तू? बोले जल्दी बोल। मारो कौन है? बोल जल्दी बोल। अदब से बात करो। क्यों अदब से बात करूं? तू माछड़ती उल्लू में अदब से बात करो। क्यों तुम्हें बदनाम? कौन है? कौन है आप? बड़े नवाब हैं। बड़े नवाब? ये बड़े नवाब हैं? अरे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि बड़े आ गए। अगर छोटे आ जाते तो इनको मैं दस पन्ने से उठा के लाता। बड़े नवाब साहब तशरीफ लाई आई। मुझे कहीं बाप खुदा पता ही नहीं था कि आप बड़े नवाब, वरना मैं आपको इतनी मोहब्बत और प्यार से लेके आता। क्योंकि मैं मेहमानों पे जान देने वाला आदमी, मुझे इस चीज का हमेशा से एहसास है कि इंसान जो है वो इज्जत का भूखा है और इंसान को इज्जत ही चाहिए, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बोले वो चिड़िया चिड़िया अल्लाह 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 करती थी घी के पापड़ तलती थी मेरे मुन्ने को आए राम अल्लाह। बेगम साहब मैंने नवाब साहब को गोद ले लिया। बैठिए बैठिए बैठिए। याकूब कहाँ है? याकूब जो है ना बेगम साहब वो बाहर सब्जी वाले के पास खड़ा हुआ ना वहाँ पे वो सब्जियाँ। हाय कितना खूबसूरत छोटा सा बच्चा है, चांद जैसा है, आज भी ना बच्चा पूरा क्या बकरी के बच्चे की तरह हरेक के पीछे पीछे जा रहा है? आया कौन है भाई? रिश्ता साहब तशरीफ रखिए। क्या पियेंगे? क्या पियेंगे आप? क्या साहब क्या पियेंगे? पियेंगे बना देंगे तो पिला देंगे। इधर आए जी। नवाब साहब ये बताइए साहबजादे का जो रिश्ता है साहबजादे कहाँ है? साहबजादे छलावे की औलाद क्या सुरंग में रहता तू? कौन है क्या भला है भाई? पता नहीं नवाब बरगन जी। जी बताइए ना साहबजादे कहाँ हैं? साहबजादे साहबजादे हम खुद हैं, अपना रिश्ता लेकर आए आपकी बेटी के लिए। चल बा चल जा चला जा नहीं तो कूड़े कूड़े की टोकरी में फेंक दूंगा। जा चल आप अंदर जाएं, ये कमीने पन पे उतर गया है। जाए भैया कौन आता है मेरे साथ? चलो भैया
पकड़ शेरवानी और निकल बाहर। आप भी ऐसे ऐसे लोगों को रिश्ता बुलाते हो और रिश्ते सुबह से इंतजार कर रहे हैं? ये रिश्ता आया है, पाल के शादी करोगे इनकी? इससे अच्छे रिश्ते तो अल्लाह के करम से घर में फिर रहे हैं। कितने मुश्किल से रिश्ता आया था, वो भी चला गया। अबे तो क्या बेटी को गोद दिलवाएगी मियाँ? क्या बात करने दी है ये? दो मिनट टाइम से बात भी नहीं करने देते हमें। आ गले मिलता है, कुछ नहीं होना, मत जाने का बहुत का जाने। अरे पकड़, दिमाग खराब कर दिया। एक मिनट क्या नहीं घर में मुझको? तेरी साजिश है ये, तूने रिश्ता भेजा वो छोटा पौआ। तूने तूने मुझसे तू पुकार करता है। वो रिश्ता आ गया, गाड़ी में फंस गया, बेलचा चाहिए। बेलचा? बाग में पड़ा हुआ कोने में। अबे क्या रिश्ता खोद के लाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं सेक्रेटरी हूँ, रिश्ते लेकर आया हूँ। रिश्ते बाहर, बा अदब बा मुलायजा होशियार। आइए अबे ये रिश्ता है? नहीं नहीं ये तो ट्राई है, असल तो आ रहे हैं। आगे आगे आगे, आइए आइए आइए। लकी रानी सर्कस से आए रिश्ते हैं। नहीं चार्ली, ये करोड़पतियों के रिश्ते हैं, करोड़पति बाप के बेटे हैं दोनों। माशाल्लाह, इतने मुझे तो लखपति भी नहीं लग रहे हैं। बावले ये शादी होगी कैसे? निकट तक तो ओके, असल मसला रुखसती के बाद का है। रुखसती कैसे होगी तू बता? लड़की को जहेज में आरा मशीन दे देंगे, वो खुद ही अलग अलग कर लेगी। अरे भाई बहस मुबहसा ना करें आप लोग, ये रिश्ता हमारे यहाँ पर रहेगा। हमारे यहाँ रहेगा, हमारे यहाँ रहेगा। आप क्या तो आदमी रहते ही नहीं है भाई, हमारी भाई ऐसा करते हैं, देखिए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। चार्ली एक मिनट, ये रिश्ता ही रहेगा, आप कुल्हाड़ी लाओ खत्म कर देना। चार्ली चार्ली क्या कर रहे हो भाई? ना ये रिश्ता उधर रहेगा, ना यहाँ रहेगा, ये दरमियान में रहेगा। दरमियान? हाँ चलो ठीक, आइए। ओके, खाना हमारे यहाँ खाएगा? शाम को खाना हमारे यहाँ खाएंगे। आप क्या तो खाना ही नहीं पकता, याकूब लंगर लूट के लाता है। मैं सब बताऊंगा एक एक बात यार, सभील पे जाके तो पानी पी तो मटके तक तेरे हो गया। थोड़ा थोड़ा ऐसी बातें कर दो, म्यूनिसिपलिटी के नलके में नहाते जाए। ये मिर्जा सहूलत पूरी कौन है? वही है वही है, कौन है? तू है? गरीब हूँ, मेरे पास कुछ और है नहीं। ठीक है बद्दुआ दे देना, दिल में गाली नहीं देना। गाली वाली की बात नहीं है। चला चला, कौन है सहूलतपुरी? यही है, किसी को ऐसी बात भी करनी चाहिए दिल नहीं तो खाल चाहिए, किसी की हाय लेगा तो मर जाएगा। तो कौन है सहूलतपुरी? तू है? मैं हूँ। हाँ? अल्लाह को आदि नादी जान के कह रहा हूँ। हाँ? कानून के सामने कह रहा हूँ। हाँ? मैं मिर्जा सहूलतपुरी हूँ। हाँ? ठीक है जनाब, मैंने इकबाल जुर्म किया, मैं मिर्जा सहूलतपुरी हूँ, ये मेरी बीवी है। सही है, आपके सामने बोला है, आओ जान कमाओ, आओ बमीनों में मैडम बावरी देखेंगे, कमाओ। बड़ा कमाल काम किया सुल्तान राय साहब ने। कौन है सहूलतपुरी साहब? मैं हूँ यार। यही है, कैसा कबूलवाया? पुलिस वाले भी नहीं कबूलवा सकते इतनी जल्दी। ओए क्या नाम है तेरा? मैं गूंगा हूँ। अब बच्चे हमको देख कर तो गूंगे गाना शुरू कर देते हैं। कैसे? ऐसे कि तेरे को, ओए तेरी छोकरी एक लड़के को जख्मी करके भागी जाए। अच्छा कहाँ है? मैंने पहले ही कहा था कि ये हॉकी लेके फिरती है, अच्छा नहीं है, किसी के भी सर पर टिका देंगी। कहाँ है? ओ गुटके, ओ गुलाम खाना, छोकरी कहाँ से लेके आए? अरे कंपक मारी, घर पर पुलिस ले आई। हाँ पार्क में मिल लेती। कैसी बात करते हो, पार्क में मिल लेती? और मुलाकात ही अगर करनी है तो थाना बुरा है क्या भाई? हम तो जो भी बात करते हैं ना कानून के दायरे में रह के करते हैं। हमस इधर आओ, इधर आओ। कहाँ मर गई थी? हेलो ये बताओ, ये सही कह रहे हैं? हाँ ये सही कह रहे हैं, उसने मेरे प्यार का एतमाद का खून किया था, मैंने उससे इंतकाम लिया है। ए, लड़की को जज्बाती डायलॉग कौन लिख कर देता है? केस के चाचा जबलपुरी अंदर रहता है और उसका नौकर आकू, दोनों लिखते भाई है।
और जाओ उसको मार मार के लेके जाओ, सीटते हुए सीटते हुए जाओ, खाली पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते मुझे, जाओ जाओ काम करो। बात सुना है, तेरा क्या नाम है? अभी रखा नहीं है, वालदेन ने बोला को अच्छा सा मौका देख के रखेंगे, अभी फचकन करेंगे उसमें रखेंगे। फचकन में आओगे हमारे यहाँ? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार? लालू खेत में है, आओगे? अरे क्यों धक्का दे के ला रही है? ये आदमी बम बनाता है चार्ली। ये क्या बदतमीजी है? पुलिस को बदतमीज बोलता है? हमारे पास तो लोग दूर दूर से अदब सीखने आते हैं। और नहीं तो क्या आप जानते नहीं है, पुलिस वाले इतने अच्छे लोग होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी पहली मुलाकात में तो इखलाकन तोड़ देते हैं। बड़ा बोलता तू, क्या नाम है तेरा? याकूब पायलट है जी। हाँ भाईजान, भाईजान आपका तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, हम क्या चीज़ है? साहब जी ये आपका डंडा। ये मैंने कोई शौकिया नहीं दिया, फिर ये हमको हुकूमत ने दे रखा है। मेरा ख्याल है आप तफ्तीश कीजिए, तफ्तीश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलत बात हो रही है, इस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तेरा नाम क्या है? जबलपुरी। सहूलतपुरी, जबलपुरी, और तुम लोग कड़ाई में पैदा हुए हो? उसके ऊपर तो मैं इस किस्म का सर 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 एक मुखबरी आई है। कौन सी? दूधरड़ भाई, दूधरड़ भाई। सर बड़ी जबरदस्त मुखबरी है ये, हमारे सरकार को आप मारिएगा मत, अगर आप इन्हें मारेंगे इनको तकलीफ नहीं होगी, इनको सुकून मिलेगा, क्योंकि इनको बीमारी है पिशाच खून खारिश अलवामा महफ्त इतहद मस जानम रसीदा अल इब्तिदाइल कैंसरा। ये कोई फॉरनर बीमारी है? जी हाँ, ये दमिश्क के सदर थे ना जाकिर भाई, उनको भी हुई। ये बड़ी खतरनाक बीमारी। इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान की खाल की जो जिल्द, ये जिल्द जो है इतनी हसास हो जाती है कि इसके सामने अपने आप को मारो वो बिलबिलाएगा। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं बताऊंगा मैं, यानी उल्टा रिएक्शन। जी हाँ बताऊंगा मैं, कानून को हमेशा पुलिस का साथ देना चाहिए। शाबाश शाबाश, बताऊंगा मैं बिल्कुल शाबाश। यही तो होता है कि पब्लिक पुलिस को बताती नहीं है कि असल बात क्या है, दवाई से परहेज करती है, जबी तो पुलिस बेचारी फंसती है। मैं बताऊंगा आपको भाईजान, इसका मतलब ये है जी कि मैं अपने आप को मारूं तो ये? हाँ हाँ यार, तुमने तो तशद्दुद आसान कर दिया। नहीं हाँ बच्चे तैयार हो तो। नहीं नहीं आए आए आए, शायद इन्हें आवाम के दर्द का एहसास हो जाए। याकूब साहब जी जनाब, ये जरा तकल्लुफ आप ही करें। ये पहला पुलिस वाला है जिसने पब्लिक के हाथ में खूब डंडा दिया है। कोई भी नहीं है, अब देखूंगा। आ जाओ भाई आ जाओ। और मैं कर्ज खा जाऊं डकार भी ना लाऊं। मेरी बात तो सुनिए बुलेट बदमाश साहब। खबरदार, जो मुझे बुलेट बदमाश का पूरा इलाका मुझे गोली दारा के नाम से जानता है। अरे अरे वो मुझे बहुत बेइज्जत करते हैं। बेइज्जत? इज्जत उसकी होती है। मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, वो मुझे बहुत मारते हैं। उनसे कहो वो तुम्हें आके मारे और तुम मर जाना। क्या बात कर रहे हैं, उनके भी बदमाशों से ताल्लुकात है? हाँ हाँ। अरे आज दिन क्या है? आज जुम्मा है। अबे यार जुम्मे का तो मैं कत्ल नहीं करता। हाँ फिर? मैं नमाज पढ़नी है। अच्छा जाओ फिर। अम्मा ने दही लेने भेजा है। इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान। बताओ यार, यार समझ में नहीं आती कोई बात। हाँ। ये क्या बुढ़ी छछुंदर कहाँ से आ गई? कहाँ है मिसेस जबलपुरी? आप कौन है भाई? मैं उसका दोस्त धक्कन पहलवान, पहलवान धक्कन। पहलवान धक्कन? तो जा किसी गटर के मुंह लग। गटर के तो मुंह लग रहा हूँ। अरे है कौन आप भाई? ओए मिर्जा जबलपुरी ने मुझे चैलेंज करके अपनी मौत को आवाज दी है। भूल गया वो पिछली कुश्ती जब रात का सन्नाटा तारी था और दिन के 2 बज रहे थे और आप कुश्ती लड़ रहे थे?
ये पहली कुश्ती थी जो पूरे पाकिस्तान ने रेडियो में देखी। दो दफा पिट चुका हूँ, इंशाल्लाह तीसरी दफा मैं ही पिटूंगा। आप पिटोगे नहीं, इंशाल्लाह आप मरोगे। क्या क्या बकवास, अब कुछ नहीं रह गया इसमें, आप इंशाल्लाह ऊपर ही जाओगे। आप कौन हो भाई? तुम कौन हो? अरे यार, मैं इस घर में करोड़पति रिश्ते लाया हूँ। अच्छा, दो भाइयों के रिश्ते, पूरा घर उनकी वजह से मॉडर्न हो गया। हाँ। दोनों भाई जुड़वा, एक का मुंह यहाँ पे तो एक का मुंह वहाँ पे। अच्छा, ईमान से मेरे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यानी दो मुंह का रिश्ता? ईमान से। फिर मेरे को लेके गए एक दिन, दोनों भाई कह रहे हम लोग को फिल्म देखनी है, सिनेमा में ले गया, बीच की सीट मिली। अच्छा। एक भाई फिल्म देख रहा था तो दूसरा भाई पीछे से लड़कियों को ताड़ रहा था, तो लड़की ने चमाट मारी, इंटरवल में बत्ती जली तो पता चला कि जुड़े हुए। इन्हें खेलने में तो बड़ी परेशानी होती होगी। अरे इनसे अच्छी हॉकी कोई नहीं खेलता। कैसे? एक भाई गेंद लेके हॉकी की गेंद लेके टीम में जाता है। अच्छा। तो दूसरा भाई हॉकी से खिलाड़ियों को डाच देता है। ईमान से चोरी कैसे करती होंगे? इनसे अच्छा कोई चोरी नहीं है। आपके घर भेजू? नहीं नहीं, ईमान से एक भाई चोरी करता है, दूसरा भाई देखता है कि कोई चोर तो नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसे अच्छा पूरा घर जो है ना मॉडर्न हो गया। हाँ। आप जाओ जल्दी से मॉडर्न होके आओ, जाओ। ठीक है, सब चेंज हो गए यहाँ पे। सुनो। हाँ। आप पे एक शेर आ रहा है तो कर दो। चलो ठीक है, बड़े दिनों के बाद जगह मिली है। सुनो। ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है? ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है? ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है? हड्डियां तो रह गई, तेरा गोश्त कहाँ है? गोश्त सारा खा गई महंगाई दोस्तों। गोश्त सारा खा गई महंगाई दोस्तों, ये हड्डियां बची हैं कुत्ते के वास्ते। अच्छा बिल्डो साहब, कह रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज़। मिर्जा जबलपुरी को छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ना, बुड्ढी बिल्ली छीछड़े खाने वाले हड्डियां देगी। बताओ यार, अब पूरा घर हो गया मॉडर्न, अब मजा आएगा। आइए माशाल्लाह। जगाती जी, सेक्रेटरी जी, जगाती देखो, जगाती जी, जगाती जी, किस धंधे में लगा रही है मुझे? देखो हमारे बच्चों का रिश्ता हो जाना चाहिए, अब हम लोग सब मॉडर्न हो गए। अच्छा सेक्रेटरी, इस कलमुही की बातों में मत आना। हम तुम्हारे और उन लड़कों के कहने में मॉडर्न तो हो गए, अब हमारी बेटी के साथ शादी होनी चाहिए। चल दफा दूर तेरी हो जाएगी। तेरी शक्ल कब वहा? लड़े नहीं, मेरी बात सुने आप। आप उन लड़कों ने फरमाइश की थी कि आप अपने मियाँ को जंगली बना कर ले आए। वो तो शुरू के जंगली है। शुरू के नहीं, अभी जंगली बना के ले आए। अच्छा अच्छा, बन गए जंगली। अच्छा ठीक है, आपने अपने मियाँ को डाकू बनाया? डाकू? वो तो डाकू नहीं लगेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, उनको मुर्गी चोर बना देती। ठीक है, ठीक है ना? यस। अभी बना के भेजती हूँ। ठीक है, मगर देखो वादा पक्का होना चाहिए। जल्दी बना के भेजें। नहीं नहीं हो जाएगा, आप फिक्र ही ना। नहीं नहीं ऐसे ही हो जाएगी शादी इंशाल्लाह। हमारी बेटी के साथ शादी होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा हसन कर दूंगी। अरे जरा तमीज से बात करें, अब आप मॉडर्न हो गई हैं, प्यार से मुझे भी बुलाएं। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। या अल्लाह रहम करे भाई, पूरी फांटा की बोतल बन के घूम रही है। चलो यार, एक के मियाँ को तो जंगली बना दिया, दूसरे के मियाँ को डाकू, अब मजा आएगा। सेक्रेटरी, हमारी बेटी का रिश्ता कराओ। करा देंगे इंशाल्लाह। चलो इसको तो बना दिया लक्का कबूतर, ये शेरी जगाएगा अगले साल, अब मजा आएगा। ये डाकू बन गया है, तब देखेंगे। ये क्या पुलिस की एम्बुलेंस निकली? उड़ी उड़ी। चलो यार, अब इसका पता नहीं ये बना के नहीं बना डाकू यार। रुक जा, मीठी है, मीठी है। दिशा आप बोल मीठी है। अरे यार चल, गोली चलाएगा। हाँ ऐसा कर, यहाँ पे रख, बटन दबा दे। दिशवा सियाना डाकू या बावला समझावा है? दिशा डाकू, डाकू।
पुलिस वाले भाई मेरे पीछे क्यों छुपे हो? वो हम ऐसे ही करते हैं। अरे यार आपके पास पिस्तौल है, गोली चला है? अरे किधर है, ये तो ऐसे ही शोशा के लिए हमारे को दे रखा। मैं तो इसमें सिगरेट रखता हूँ भाई। असली असला नहीं दिया आपको? अरे असली असला देवे अगर गवर्नमेंट हमको, तो फिर मैं कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, देखते हैं कि कौन माई के लाल शहर में चोरी करता और कौन माई के लाल शहर में डाका मारता है। रुको, पकड़ो। चलो, ये तो वो डाकू था जिसके लिए हथकड़ी की नहीं कच्चे धागे की जरूरत है। जी भाई, हमारे सांप की लाश की तरह है। अभी अभी बुर्का पहन के नारी लेने गई है। उड़ी उड़ी, उड़ी उड़ी, उड़ी उड़ी। बताओ, ऐसे ऐसे हमारी पुलिस में भर्ती हो? क्या मुंह पे फालिज गिर गया? तेरे बाप का मुंह है? नहीं नहीं, मेरे बाप का मुंह बचपन में गला दबा था। खामोश। जी, डाकू से बदतमीजी, मैंने बहुत बड़ा डाका डाला है। कहाँ पे? हाजरा के लड़के से चवन्नी छीन ली। मुबारक हो। हदायत के लड़के से डेढ़ रुपए छीन लिए। मैं बहुत बड़ा डाकू हो गया हूँ यार। बच्चे तो यकीन कर रहे हैं मैं डाकू हूँ, बड़े यकीन ही नहीं कर रहे कि मैं डाकू हूँ। तो कैसे यकीन करेंगे? आप इस तरह खड़े रहोगे, कोई भी आएगा 2-3 रुपए डाल के चला जाएगा। बदतमीज, डाकू से बदतमीजी करता है। अबे यार वो पुलिस वाला नहीं है, वो कह रहा है तू डाकू है। अबे मैंने कहा मैं डाकू नहीं हूँ। कह रहे नहीं भैया तू डाकू है, अब तो ले दे के मामला साफ होगा। मैं कंगला हूँ भैया, चवन्नी है चाहिए। कह रहे नहीं भैया मुझे तो दो। मैं कंगला हूँ। कह रहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये दुकान लूट ले। मैं आंधी लगी हुई तो पकड़ लेगा बच्चू। मैं भी सियाणा था, नहीं लूटा। ले ये गोली ले। कमरे में मरूंगा। तू मरेगा भी तो लेडी डायना की तरह मरेगा। जी आइए, डबल सवारी। मुझे मिल गया बहाना ईद का, ऐसी कुछ लेके आया चांद ईद का। ओ का बंगाली नौकर है, गेंडे से बोला बंगाली नौकर का। भाई जान, मैंने बंगाली नौकर का भी इंतजाम कर दिया है और मलबारी नौकर का भी इंतजाम कर दिया। बस समझ लो कि बंगाली आएगा तो मछली की बू आएगी। ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह 102 200 और 300 400 500 600 700। अरे क्यों रोक लिया हमको? हम पूरा 1000 तक गाने का प्रोग्राम में था। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है चौधरी लापता। और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम अभी जेर गौर है। तुम्हारी माँ का नाम? इसको बोलो हमारा माँ का नाम नहीं लेगा, हमारा माँ का नाम लेगा हम इसका जिंदगी खराब कर देगा। किसने हमारा माँ का नाम लिया हमको बताएगा? किसने हमारा माँ का माँ का नाम लेता है हमारा? मैंने थोड़ी लिया तुम्हारी माँ का नाम। फिर हमारा माँ का नाम किसने लिया? तो मेरे भाई ने लिया। गलती हो गया, गलती हो गया। हमारा माँ का नाम लेता है। मैंने थोड़ी लिया तुम्हारी माँ का नाम। फिर किसने लिया है? उधर वाले ने लिया। गलती हो गया। इंसान खता का पुतला है। यार मुझे क्यों मारे जा रहे हो तुम? ये क्या चक्कर है? जिधर देखता है उधर तू ही तू है, इधर भी तू है उधर भी तू है। तू है क्या चीज? कौन है? अरे आप कौन है जो हमारे सेठ लोगों को मार रहे हो भाई? हम बांग्लादेश से आया है। कैसे आए? सैलाब के जरिए। बंगाली तुम सियाने हो गए हो, अब सैलाब के बहाने दोबारा वापस पाकिस्तान आ रहे हो। इसीलिए तो तुम लोगों को भी बोलता है कि आपस में मिल के रहो। देखो आज हम अलग होके कितना पछता रहा है। अच्छा इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले 10 साल हम दुबई में था। तो हंसते बोल भाई। हम बहुत तकलीफ में था इसलिए ऐसा बता रहा। अच्छा। 10 साल हम
नामजू है बेटा। 9 साल अंदर था, 1 साल बाहर था। कैसे? किसी ने हमको बोल दिया उधर हीरोइन लेके जाओ। मछली का पेट में हीरोइन लेके गया। कस्टम तक मछली बिल्कुल ठीक था। कस्टम ऑफिसर को देख के मछली टून हो गया। उधर इतना सख्ती है, हमको पकड़, हमको पकड़ के अंदर डाल दिया। इतना मारा, हमारा जिंदगी खराब हो गया। कुछ समझ में नहीं आया क्या करेगा। अच्छा बंगाली भाई, उधर दुबई में आदमी लड़की को छेड़ सकता? हमारे देश के माटी को अंदर भरे। अच्छा शर्मन, क्या बात कर रहा है? ये सही सवाल है। क्या बात कर रहा है? उधर तुम लड़की को छेड़ेगा? नहीं 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 नहीं, उधर तुम लड़की को छेड़ेगा? नहीं, ऐसे तुम्हारा जिंदगी खराब कर देगा। अरे क्यों? अरे ये बता रहा है उधर ऐसा जिंदगी खराब कर देता है। उधर आप लड़की को नहीं छेड़ सकता। उधर पुलिस का इतना रोब है दुबई में कि आदमी डर का मारे अपनी बीवी को भी बाजी 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 बाजी, इतना रूप है। अच्छा उधर वो अगर चोरी करे आदमी तो सुना हाथ काट देते हैं। क्या बहुत कर दिया, इधर से लेता है, इधर से जिधर मर्जी आए हाथ काट देता है। अच्छा हाँ। सुनो लड़कियां कहाँ हैं? उसका चक्कर में तो हम भी हैं। उसके चक्कर में तू फिरता, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभी 2 टुकड़ा तो कर दिया है, अभी और कितना टुकड़ा करना चाहता है? चलो जाओ काम करो काम। अरे काम करना होता तो इधर क्यों आता? क्यों, इधर का लोग काम नहीं करता? अगर इधर का लोग काम करता तो खुदा का कसम ये मुल्क दुनिया में जन्नत होता, जन्नत। आज से तुम्हारा ड्यूटी ये है कि तुम हमारे सेठ लोगों के लिए एक आदमी का नौकर है। एक आदमी का दोगला लोग का नहीं है, एक आदमी का नौकर है। एक प्याली चलेगा, एक पीली चलेगा। हमारे देश रे माटी रे गंदे भरे अच्छे शर हमारे पीछे पीछे होएगा। चलो ये देखो यार, जोड़िया बाजार के मजदूर। ये पुराने जमाने में ट्राम में चलती थी जिसके 2 ड्राइवर होते थे एक इधर एक इधर। चलो मैं मलबारी को बुलाऊं यार। ए मलबारी, ए मलबारी, ए मलबारी, ए मलबारी। मालवरी किसको बोला तुम? आपको? तुम्हारा बाप मालवरी। काली मालवरी बोलेगा, मैं तुम्हारा दांत तोड़ेगा। मालवरी साहब बोलो। अच्छा मालवरी साहब। तुम डर के बोला? हाँ। तुम्हारा जिंदगी पर लाना थे, तुम मालवरी से डर गया। मालवरी से बच्चा बच्चा खेलता, तुम डरता रहे। तुम आदमी है? तुम कौन है? तुम आदमी नहीं है। आदमी? अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या? हमारा नाम इब्बू तड़तड़ वल्लम। अच्छा तुम्हारे अब्बा का नाम? अभी रक्का नहीं, अभी रक्का नहीं, अभी सोचा नहीं। अच्छा तुम्हारी अम्मा का नाम? हमारी माँ का नाम पूछते तुम। माँ का नाम पे बहुत गुस्सा आता, मालवारी का माँ नहीं होता है। वो उसका इबादत करता मलबारी, माँ को माँ नहीं समझता, उसको इज्जत देता। तुम लोग आए तो माँ का नाम पूछता? नहीं नहीं, ऐसे ही तुम्हारा मदर का नाम? मदर नाम ऐसा बोलेगा? मदर बोलते नाम में, ऐसा माँ बताते का नहीं होता है। अच्छा आपने किधर किधर काम किया? हम हर जगह पे काम किया, हर जगह दुनिया का नौकड़े नौकड़े पे काम किया। अच्छा हमारे मलबारी दुनिया का कच्चा ना मिलेगा, किधर भी जाओगे मलबरी मिलेगा। अच्छा हर जगह मलबरी, उधर आबादी भी नहीं होगा उधर मलबरी होगा। चांद का ऊपर इंसान गया, पहले रॉकेट लेके उतरा, उधर पहले से मलबरी का चाय का होटल। मलबरी इतना तेज काम में नजर नहीं आता, तेज बहुत। एक तरह को बात बोला मैं, ये पकड़ के रखना बात को। अच्छा हमारे जगह नौकरी किया, पूरा पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री में नौकरी किया मामा। हर अदाकार पे गर्व में नौकरी किया, मलबरी खाना बनाने में बहुत चैंपियन होते हैं, ऐसे उसको नौकर रखते हैं। अच्छा हमारे जगह नौकरी किया? किस किस के यहाँ किया? हर जगह का, उधर उसका घर में किया। किसका? अभी अभी सलमा आगा के घर में दरखास्त दिया। अच्छा हम बोला मेरे नौकरी करने का जी, बोला अभी जावेद से के आप बाद में बोलना जी। हमारे जगह नौकरी किया। अच्छा और किसके यहाँ की? अब एक बात बताऊ, ये मलबरी लग रही हो नहीं लग रही हो? तो तुम मलबरी नहीं है? लग रहे हो ना? मान से? अबे हूँ नहीं, कसम से
वो हमारे साहब है ना, उनको मलबारी नौकर नहीं मिल लिया था। अच्छा, उन्होंने कहा यार तू मलबारी बन जा, क्योंकि मैं पहले मलबार में भी पैदा हो चुका हूँ ना, तो इसलिए हाँ पहले हो चुका हूँ एक दफा यार, हुआ था घपला है छोड़ो, तो मैं वहाँ पे इसलिए मलबारी बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो यार बेचारियों की लड़कियों की शादी का सवाल है, क्योंकि तुम्हारे वो जो दोगले आए ना कम्बख्त तुम्हारे दोनों, उन्होंने अजीब अजीब फरमाइशें की, बोले मलबारी नौकर लाओ, उनको कह दिया बंगाली लाओ। अच्छा, तो मैं इसलिए मलबारी बन गया हूँ चैंपियन नौकर हूँ बाबू। तो तूने इससे पहले कहा किया काम? अरे जगह यार। अच्छा, बता तो रहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री। अभी मोहम्मद अली कैसे नौकरी छोड़ गया? क्यों यार, अब अदाकारी तो करते नहीं क्योंकि इस मुकाम पे पहुंच गए कि अदाकारी के एक अजीम अदाकार होगा, अब इससे ज्यादा क्या अजमत की अदाकारी करे, इसलिए अब गाने की तरफ ध्यान दे दिया उन्होंने। अबे गाने गाते हैं और मुझे सुना रहे बावर्ची को, कह रहे सुन, मैं कहा मैंने सुन दिया, बोले सुन, और वो भी पंजाबी गाने और अपनी आवाज में मान से कैसे, पीछे पीछे आंडा मेरी चाल वे नाई, जीरे वाले अवेख जाइयो मेरा लौंगा वाचा, जा साहब मेरा लौंगा वाचा, मिलाज मेरा लौंगा वाचा, दादी हुजूर मेरा लौंगा वाचा, दुनिया वालों मेरा लौंगा वाचा, शपो मेरा लौंगा वाचा, इंस्पेक्टर मेरा लौंगा वाचा, जैसा मेरा लौंगा वाचा, पान वाले मेरा लौंगा वाचा, वो इतनी लौंग दे के चला गया। अल्लाह के वास्ते मत गाओ। मैंने बोला भाई मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं ऐसे गाने सुन नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद मेडिएशन क्या हो गया? यार ईमान से उनके गले में भगवान बोल, सच्ची बात है। अच्छा? जैसे अजीज मियां के गले में शैतान बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से उनके गले में सुना भगवान बोल। यार उनके घर एक दफा नौकरी करी ईमान से, एक चाय पिलाने में थक गया मैं, मेहंदी साहब को एक चाय नहीं पिला सकता। कैसे? वो रियाज कर रहे थे, कहने लगे यार तुम एक चाय पिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी, अपने हाथों से पिला दो, मैं रियाज कर रहा हूँ। मैं कमले के इधर आ गया, मैंने कहा यहां से पिला दूंगा, मैं इधर पहुंचा तो ये धुआं, मैं कपले के इधर आ गया फिर कर ये धुआं, मैंने चाय पी, मैंने कहा मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, सलाम किया उनकी अजमत को, आ गया वापस। उसके बाद सुल्तान आई गया नौकरी करी, अल्लाह माफ करे, थक गया भाई, अजीब आदमी है भाई। यार ईमान से बड़े बहुत बड़े अदाकार हैं, लेकिन खाना खाने का अलग स्टाइल है। बोल रहे नेजे पे रोटी रख के ला और रोटी तैयार है, बोला ऐसे खिलाओ, ऐसे खिलाओ और जेल जाओ। बोले गंडासे पे सालन गरम करके लाओ, कहने बोला मैं नहीं कर रहा यार ईमान। अच्छा, किसी अदाकारा के यहाँ किए? हाँ, अंजुमन किया। यार एक ही दिन में मैं तो ईमान से मैं तो थक गया अल्लाह के। क्यों? बोली जो चीज भी नाओ नाच के लाओ। मतलब मैं गली की बीवी की बोली यूं लाओ, चाय पक गई ओए चाय। मैं ऐसी ना चाय पकाता हूँ ना पीता हूँ। बोले आराम से आके बोले रोटी तैयार है। मैं कहा इस तरह से रोटियों को ना करो, रोटियों को तो ये स्टाइल ना सिखाओ कि रोटियां बाहर ले आए उन्हें लोग छेड़े और रोटियों के रिश्ते आए कि पराठा दुबई से आ गया। ये सब ना करो यार, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और दुबई चला गया। अच्छा, हाँ दुबई। हाँ दुबई गया हूँ यार। ये बंगाली कहता है कि मैं भी दुबई गया हूँ। अबे दुबई में बंगाली कहाँ है, दुबई में सिर्फ मलबारी है, और इतने मलबारी हैं अरबी सिर्फ 5-6 है। मलबारी मलबारी है। अच्छा, असल तो बहुत मलबारी है वहाँ। अच्छा, तू तो दुबई गया है। हाँ, तो दुबई में उधर चोरी करने वाले के हाथ काट देते हैं। हाँ भाई, ये पक्का कानून है वहाँ पे, चोरी करो हाथ काट देंगे। और वही कानून अगर यहाँ होता आधा पाकिस्तान टूटा होता। यार चलो मरद तो मैंने टूटे देखे, सोचो अगर ये कानून होता तो औरतें टूटी कैसी लगती है।
अच्छा ये बता मेरे को, बोल बोल यार। उधर दुबई में आदमी लड़की को छेड़ सकता है? अबे क्या बात कर रहा है यार, पाकिस्तानी से जहां बोलो वहां छेड़ के दिखाएंगे यार। ईमान से अबे लड़कियां छेड़ना तो हमारा कौमी खेल बन गया बाबू, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते, यही ट्रॉफी हमारे पास रह गई है। बाकी सारी ट्रॉफियां, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान अमानत में खयानत नहीं करता, इसलिए सारी ट्रॉफियां, ये चैंपियंस ट्रॉफी आपकी थी आप ले लें, ये वर्ल्ड कप आपका था आप ले लें, मुसलमान है ना अमानत में खयानत नहीं करनी है, समझ गए बाबू। तो लड़की तो हर जगह छेड़ सकते हैं, अबे जमीन जमीन आसमान पे फिजा में एयर होस्टिस को भी छेड़ देते, वो बेचारियां भी दूर दूर से गुजरती है पाकिस्तानियों के पास, पाकिस्तानी बैठे ना जहाज में क्यों जाएंगे, एक्सक्यूज मी इधर हो जा, कोई बोलेगा पानी ले पी कंबख्त, खाना भी ऐसे पुड़िया में बांध के खा मर। और अगर पूरे जहाज में पाकिस्तानी भरे हुए हो तो फिर बेचारियां बाहर से जाती हैं, बाहर से आती हैं। क्या यार बाहर से कैसे जाती है, कैसे आती है? अबे वो डब्बे में नहीं आता, रेल में खाने वाला, खाने वाले हवाई जहाज का जिक्र कहाँ से कहाँ मिला दिया। अच्छा मेरे को ये बता। हाँ बोल बोल। ये कपड़े तेरे कैसे? अबे इनको कुछ मत बोलियो, ये मलबारियों का सुपर हिट ड्रेस है दुबई में, ये धोती, इसे धोती मत समझो, तो इससे लोग दुबई में मौसम का हाल पता करते हैं। कैसे? देखो ये ऐसे बंधी हुई है ना, तो मौसम खुशगवार है, थोड़ी ऊपर उठी गर्मी है, अब जैसे जैसे धोती ऊपर उठती जा रही है गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, और जब गर्मी इंतहा की होती है तो हुकूमत ऐलान करती है कि हजरात मलबारी देखना मना है। भाई दुबई की जनरल नॉलेज बहुत है मेरे को, चलो क्योंकि दुबई में अपने बहुत आदमी रहते हैं ना, एयरपोर्ट पे अपने आदमी ने, हर जगह अपने आदमी ने, अपना फकरू भी वही है। तो अब मतलब ये है कि तेरे को इबू थर्मामीटर बोले, वहाँ पे सब मलबारी को बोलते हैं काका थर्मामीटर, बड़े खुश होते हैं। और कोई काम? बस बस बस, कभी दुबई का काम हो तो बताना, अपने सारे दोस्त हैं वहाँ पे यार, फकर है, जाफरी, अपना फैसल। अबे तू कैसा लग रहा है, वो एक रुपए की चार मछलियां बेच लेने का। अबे तू भी बड़ा घटिया है, पड़ोसियों का दस्तरखान चुरा के बांध लिया। अबे एक बात सुन, अबे तेरे जैसा आदमी हमारे मोहल्ले में आता था, चारा लेकर चूरन लेते थे, उसमें आग लगाता था। अबे किसी बंगाली से मत बोलना, बहुत मारेगा। अबे यार सुन चार्ली, यार ये क्या, ये दो सरों वाली चीजें आ गई है यार यहाँ पर। यार पता क्या है, कसम खुदा की मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरी तो लड़कियों से बात हुई है बेचारी, दोनों लड़कियों से हाँ। यार वो तो बड़ी परेशान है, वो लड़कियां कह रही थी कि किस किस्म के वालदेन है जो दौलत के खातिर हमारी जो है ना एक तरीके से कीमतें लगा रहे जहेज के मंडी में, इस तरीके से पैसा हम कमाना चाहते, वो कहती है हम घर बसाना चाहते, अरे हमारे वालदेन जो है वो करोड़पतियों के रिश्ते के चक्कर में, हमें बुढ़ा करने के चक्कर में, ये बड़ा चक्कर है यार। यार मेरा तो ख्याल ये है कि जो भी रिश्ता है उसको रोक दो। मैं बताऊं आपको क्यों? हाँ, हाँ। क्योंकि लड़के ये लोग इनके वालिदैन बड़े लालची हैं। हाँ। यार वो दोनों जुड़े हुए हाँ। फिर भी उनसे शादी करने पे तैयार है, सही बच्चियों का मुस्तकबिल का सोच ही नहीं रहे, बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि लड़कों की दौलत और हमारी दौलत मिलकर हम जल्दी से करोड़पति हो जाए, यही तो प्रॉब्लम है कि वालिदैन के आइडियल ज्यादा है लड़कियों के आइडियल कम है, इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रहा है। सही बात है, तेरी बात में जान है यार, मैं तो कहता हूँ रिश्ते रोक दे यहाँ पर जो भी आए यार, बिल्कुल, ताकि लड़कियां जो इस घर में बैठी बैठी बुढ़िया हो, और हम उनको बाजी बाजी कहें। ये क्या हो गया तुझे, उल्टी उल्टी बातें कर रहा है? तू गई हो, मेरे ऐसे ख्यालात नहीं है भैया, अजीब बेवकूफी की बातें करता है यार, मैं बात कर रहा हूँ दो सरों वालों की, उन्होंने जिंदगी खराब की हुई है, कभी कहते चाय लेके आओ, कभी कहते बंगाली बनो, कभी कहते मलबारी बनो, अबे है क्या ये? अबे यार तुम छोड़ो सब बातों को, तुम तो सिर्फ ये ध्यान दो कि हमको लड़कियों को इन लालची अब्बाओं की और अम्माओं की चुंगल से छुड़ाना। अबे तू देखिए है कैसे सर। अबे एक मिनट ठहर तो सही, दोनों में झगड़ा हो रहा था अभी, क्या वो जो जुड़े हुए कैसे, वो कह रहा था मैं नहाऊंगा, एक कह रहा मैं सोऊंगा। वो कह रहा मैं चाय पीऊंगा, वो कह रहा मैं नहीं पीऊंगा।
ये है कैसे धरती? दीवार है यार। दुआ कर कि अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को आपस में इसी तरह जोड़ दे मेरा भाई। फिक्र मत कर मेरी जान, फिक्र मत कर, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि हम सबको अपना सीना ऐसा कब्रिस्तान बना लेना चाहिए जिसमें दोस्तों की नफरतें और गलतियों को दफना सके। सही बात। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। तुम्हारे बगैर मैं तो जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? मैं ऑक्सीजन गैस हूं। मेरा ख्याल तुम्हें आता नहीं। अब तो मुझे रातों को नींद भी नहीं आती। तो अपनी चरपाई झाड़ ले बाबू। मेरा ख्याल है हमें शादी कर लेनी चाहिए। अबे क्या पागल हो गया? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती पाकिस्तान में। अबे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? उल्टी पुल्टी की बातें कर रहा है, घंटे भर से बात कर रहा हूँ, बात नहीं करने दे रहा है। अबे तो किससे बात कर रहा है तू? मैं भागा हुआ है, तुझसे थोड़ी कर रहा हूँ। और इधर देख, देख ली, हट जा। पागल हूं। अबे मैं कह रहा हूं हट जा। अब नहीं बाबू। अबे क्यों नहीं? पाकिस्तानी बच्चा हो। अबे अबे आया 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 आया, हट जा यार। मेरा सलाम बोलिए इनको। कह दिया मुझे बात करने दे। तो इनका सलाम भी मेरे तक पहुंचा दे। अबे यार बात करने दे मुझे। तो बात कर, मेरे कान बंद कर दे। हाँ। आवाज तो नहीं आ रही। ओबे चार्ली। हाँ। यार भाई देख बात सुन, अब इधर मत देखना यार। अब मैं पागल हूँ इधर देखूं? क्यों? अब तो इधर का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया बाबू। अच्छा यार बड़ी गर्मी है, अच्छा मौसम मुझे भी दिखा भाई। चार्ली। हाँ। बदलता है। दो लूंगा। वापस आ जा अपनी जगह पे। अरे ये क्या कर, चल ये नहीं है वो। ये वही वाले समझ रही है। ये हम तो ऐसे ही जुड़ के देख रहे थे कैसे लगते हैं। अबे यार जिंदगी में पहली दफा तमीज से सेवैया खाने को मिली, वो भी नहीं देखा गया तुम लोगों से। चल चल। आप गुस्से से क्या फायदा, सेवैया तो खा ली। अबे ये क्या कहो? अरे छोड़िए, कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने सेवैया गिरा के आपकी बेटी ने। चीनी तो थी नहीं उसमें। जाइए चीनी लेके आइए। अभी लाया। क्या बदतमीजी है? शर्म कर, बेटी नौकर को समय खिला रही है। तेरी बेटी जहर खिला रही थी। माफ करना, दोनों ही जलील हो गए। करोड़पति बने फिरते हैं, घर में चीनी है नहीं, फीकी सेवैया खिलाते। शर्म करे शर्म, मुलाजिमों को फीकी आप सेवैया खिला रहे, क्या इज्जत रही आप लोगों की? खामोश। अब ये लग कैसा रहा? याकूब पापलेट। जाइए जाइए, आप मेरे बुजुर्ग, इसलिए कुछ नहीं कह सकता आपको। मेरे साहब के भाई हैं आप। क्या बदतमीजी घर में? क्या आपकी वजह से कर रहा हूँ सारा कुछ? आपकी इज्जत बचाने की खातिर कर रहा हूँ। वो जो रिश्ते आए हुए हैं दो सरों वाले, कभी कहते हैं बंगाली बन जाओ, कभी कहते हैं ठुमका लगाओ, उनके बाप का नौकर हूँ मैं। ओहो, क्या हमका लड़ाई ला रहे हो? बात सुनो, आखिर तुम्हें मंगनी की रस्म अदा करने में इतराज क्या है? भाई दोनों जुड़े हुए, अगर शादी का अलहदा न हुए तो भाई मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी दोनों से करवा दीजिए। मगर मसला तो अलग अलग करने का है। तो इसमें क्या परेशानी की बात है? जब आपकी शादी इनसे हुई थी तो दोनों भाई एक साथ थे। हाँ। आप आई, आपने अलग करवा दिया, वो भी आप ही की बेटी है, करवा दीजिए, अलग करा देगी। ये तो अपने भाई के बगैर खाना नहीं खाया करते थे, और अब तो रोटियां छीन रहे हैं दूसरे की रोटियां। अबे सर फोड़ लूंगा, मसला बहुत बड़ा है। वो एक लड़का जलपरी को पसंद करने लगा है। याकूब। हाँ? तू कोशिश कर कि वो उन लड़कों में से किसी के साथ हमारी बेटी की शादी हो जाए। मैं उस चक्कर में तो हम भी हैं। क्या? मेरा मतलब ये है कि मिर्जा सौलतपुरी भी उसी चक्कर में, ख्याल रखिएगा आप लोग। उसकी फिक्र ना कर, शादी तक जिंदा ही नहीं रहेगा। कैसे? मैं अपने छुरी मार लूंगा। पागल हो गए हो क्या? जख्मी तो खुद भी हो गए। सेठ साहब मारे जाओगे, कोई ऐसी हरकत ना कर लेना। उन दोनों भाइयों की चमचागिरी कर।
लड़कों को कि लिफ्टन की सैर करा दे स्कूटर पे। खबरदार स्कूटर का नाम मत लेना, कल ही फंसाऊ मैं। आपको पता है हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है डबल सवारी पे। कल मैं डबल सवारी घूमने के लिए गया कि लिफ्टन, एक तीन पुलिस वाले एक स्कूटर पे आ रहे थे, उन्होंने डबल सवारी का चालान कर लिया। हम बाहर के पास हर बात का जवाब है। नहीं सही कह रहे। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अंदर चलो और चलकर काजी साहब से मशवरा करते हैं कि ये निकाह हो सकता है या नहीं। हाँ तो चलो, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या देख रही हो माँ? अबे क्या बदतमीजी है? सरकार जब कोई आदमी परेशान होता इसी तरह तस्वीर के पास जाके कहता देख रही हो माँ, अबे परेशान हूँ। मान जा। नहीं मानूंगा मैं। उसे बता रहा, मुझे भी तो कुछ बता। आपको क्या बताऊँ मैं? क्या बात है? अरे खुदा का खौफ करो, आप लोग बच्चों की शादियां कर रहे हो, ये ऐसे शादियां होती हैं? एक तो जुड़वों से शादी कर रहे हो, उनको अलग नहीं करवा रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर डाला हुआ, कभी ये बन जाओ, कभी वो बन जाओ, कभी बंगाली बन जाओ, कभी मलबारी बन जाओ, कभी फकीर बन जाओ, कभी नौकर बन जाओ, कभी क्या बन जाओ, और अब आप ये फरमाइश हो रही है, ये तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। अरे हमें तो बता कि हमारे वाले ने क्या फरमाइश की है। देखिए आपकी बेटियां हैं, आप उनके नखरे उठाइए, चोचले उठाइए, हमारी तो बेटियां नहीं है वो। अबे समझा कर, मान जा भाई, मान जा। देखना बच्चियों का बोझ है कंधे पे, तो बोझ उतारते क्यों नहीं, घर में खाली सुजुकियां फिर रही हैं। कमल आदमी आप डांटते हैं, ऊपर से सही बात करो। तो बात तो सुन, बताना हमारे वाले ने क्या फरमाया। अरे आपके वाले को छोड़े, आप अपने आप को देखें, आप कितनी मॉडर्न हो गई। क्या पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई? सिर्फ पैसे के चक्कर। बच्चियां ना, पैसे पैसे दौलत, वो देखो कैसे हो गए, पजामे पे तो पतलून पे आ गए। वो आपका वाला है ना, वो इधर वाला, वो बोल रहा डांस देखूंगा मैं। हाय माशाल्लाह कितनी अच्छी फरमाइश है। बहुत अच्छी यार, सरकार को ख्याल करें कि आज वो डांस की, और वो भी कह रहा सुरैया भोपाली का डांस, एक कह रहा उमराव जान अदा का डांस। मगर करेगा कौन? ये इंतजाम करेंगे जो उनके होने वाले सुसर है। सुन हाँ, मुझे पता है कौन डांस करेगा। कौन? तू करेगा। मैं से कल छत पे नाच रहा था। अरे क्या खुदा का खौफ करो, मैं तो मैं पानी की टंकी पे बड़ा वाला पतीला मांझ रहा था। पतीला ऐसे मांझते? तो और कैसे, इतना बड़ा पतीला हाथ से मांझू? मैं नहीं, मैं बोल रहा, मैं ये काम नहीं करूंगा। देखा तू नहीं करेगा तो वो भाई नहीं है मेरा। हाँ। वो रिश्ते ले जाएगा दोनों। तो मैं क्या करूं भाई, ये रिश्तों की बहस में आप दोनों भाइयों की जो ये जायदाद पे टसल है, इसकी बहस में हम दोनों नौकर बर्बाद क्यों हो रहे हैं? कभी ये बन जाओ, कभी वो बन जाओ, आप बोल रहे हो डांसर बन जाओ, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं, मैं डांस कैसे करूंगा? उसका तो 9 से 12 बजे तक का लाइसेंस होता। घर के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। नहीं नहीं छापा पड़ गया, तू जेब भर के बैठेंगे। अच्छा उनके लिए पैसे हैं और हमें वो वाले बैंक का चेक दे रहा जहाँ बैंक ही नहीं है। तेरे पे भी लुटाऊंगा। अच्छा भाई मन से देखिए, आपकी बच्चियों के खातिर मैं ये काम करने पे राजी हो रहा हूँ, ताकि उनकी शादियां हो जाए। ठीक है शाबाश, तू जा तैयार हो। बच्चा अल्लाह तेरा भला करे, कितना अच्छा मान गया। ईमान से बेगम आज तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, दिल कर रहा तुमसे शादी कर लूंगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ईमान से तुम्हें देख के गाना आ रहा है अपनी शायरी में, सुनाओ। हमको आलू नहीं मानता, हमको भिंडी नहीं मानता, हमको टिंडे वाला लौकी नहीं मानता, फिर कौन मानता? आई मूली मूली, गाजर का दिल तुम पे आया मूली, तेरे लिए कर लो दूसरी शादी, तू ही तो मेरी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, बाबा। पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बच्चियों की कैसा बचाया आपने आपको? सटिया गए हो तुम? तुम भी सटिया गई हो, लेडी डाना बनी फिरती हो। मुझे तो डर है तेरा रिश्ता ना आ जाए। तुम बगत वो पान वाला भी कह रहा है तीसरी बेटी का रिश्ता देता है। बकवास बंद करो अपनी। और सुनो, याकूब ने कहा था तुम्हें रिश्ता ला के दूंगा, उसको 200 रुपए दिए मैंने कि यार तू कोई रिश्ता ला के दे अच्छा सा, जो अरबपति हो लखोपति हो, पता नहीं अभी तक लाया नहीं, कम बखत पैसे खा गया। खा गया बड़ी रिश्ता आगे में। कौन है? कौन है? याकूब को बुला रहा है। कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रिश्ता है तो देखो तो कौन है। वालेकुम, किससे मिलना है? मैं हूँ करोड़पति, रिश्ते के लिए आया हूँ। करोड़पति लेटिए, इन्हें बैठिए, आइए। अभी हाँ यहीं बैठे बाबू।
रिश्ते के लिए आयो? जाके पायलट भाई ने भेजा है। हमारे घर है, हमारी बेटी है, माशाल्लाह लड़का सीधा है। बेटी तो अच्छी है आपकी। कमबख्त ये तलाक करवाएगा। ये बेटी नहीं उधर। अच्छा अच्छा, आप लड़की के भाई हैं? नहीं मामू। नहीं, अबे बाबू। अबू मेरे ससुर जी। सलाम अलैकुम। अरे बच्चा कैसा बावला है बेटा। आप कौन हो, क्या क्या कारोबार क्या है? मेरे बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस है क्या? अपना कारोबार। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी लाल रंग की, बच्चे तो नहीं चढ़ेंगे? अबे बड़े गाड़ी है, लड़की है तो बच्चे नहीं चढ़ेंगे? नहीं चढ़ेंगे। हाँ ये बता, बिजनेस कहाँ का है? बेना स्कूल की लड़कियों जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे खटाई वाले छोले बेचता हूँ। क्या हुआ? क्या बेचता है? इतनी सारी खटाई डालता हूँ। अबो इतनी सारी खटाई डाल डाल के दे दो, अपना बिजनेस है। अबो इमली की औलाद, ये करोड़पति है? ये करोड़पति है? हाँ करोड़पति हूँ। कैसे? क्या करोड़पति नहीं लगता मेरे को तू? करोड़पति हूँ। तुम बखत नाना के पैंट पहन के आ गया? मेरी है ये। अच्छा याकूब भाई ने कहा था रिश्ता ले के लिए जाओगे ना। हाँ। कपड़े अच्छे पहन के जाना। ईद के पहन आया तू है? और क्या क्या, करोड़पति नहीं है तो लड़की कहाँ है? लड़की? अबे नहीं लड़की, चल। क्यों? लड़कियां यतीम है। नहीं है? अरे क्या बकवास है, पागल हो? लड़कियां नहीं है। वैसे ना याकूब भाई कह रहे थे लड़की बहुत अच्छी है। हाँ है तो सही। मुझे भी ऐसा रिश्ता चाहिए जो लड़की जो है ना मेरी बीवी मुझे शादी के बाद मारे नहीं है? अबे तो करा कौन रहा तेरी शादी? तू है कौन भाई? मैं रिश्ते के लिए आया हूँ ना, रिश्ते के लिए आया हूँ। करोड़पति है लड़की, मुझे शॉपिंग भी कराएगी ना है? लो लड़की शॉपिंग कराएगी ने? जेब उसने तो बोला जेब खर्च भी देगी। क्या बाबू? तुझे वो नाश्ते में कुचला देगी। अबे यार ये है कौन भाई? मैं रिश्ते के लिए आया हूँ, याकूब भाई ने भेजा मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करोड़पति हूँ, मेरा नाम करोड़पति है। क्या करोड़पति नाम तुम्हारा? हाँ मैं करोड़पति हूँ, मेरा चुनावी कार्ड देख लो। ये देखो करोड़पति वाले अब्बू का नाम है अरबपति। अब तो हमारे हालात खराब हो जाए, अब्बू तो अरबपति थे, अब हमारे हालात खराब हो जाए यहाँ से निकल जाओ। मुझे किराया तो दे दो बात सीधा, कुत्ते पे बैठ के निकल जाओ। किराया दे दो ना, कुत्ते पे बैठ के चले जाऊँ। हाँ आओ और भेजो दो सौ रुपए। चल कमबख्त, बनी फिरती वो कह रहा बेटी है, जाइए अंग्रेजों की भी कुता। चल कमबख्त ने अंग्रेजों की जुएं भी डाली हुई है। लेडी डायना नहीं तो तू खुद ही होगी। अब आओ दो मुंह वाले बच्चों, कमबख्त एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। हाँ इज्जत है माशाल्लाह। आ जाओ आदमियों के सैंडविच। अभी तक रक्स का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? भोपाल से मंगवाई है सरिया सुरैया भोपाली। जब तक रक्स नहीं होगा हमारा क्या बनेगा? जब तक आप छिपकली मुजरा देखी। भाई बंद करो ये बकवास, मुझे नहीं ये मुजरा देखना। अरे मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, 3 साल तक मौत के कुएं पे नाचा हूँ, 25 रुपए रोज पे। चुप कर रोटी लगाने वाली सीख। लानत तुझ पे कमबख्त, तेरे खानदान में किसी ने नाच किया है? तुझे शर्म नहीं आती? बेटे मैंने बहुत मशहूर रक्कासा का इंतजाम किया है, लखनऊ से बुलवाया, उमराव जायजा ना, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। बेटे सुनिए, जब तक हम रक्स नहीं देखते ना हमारा खाना हजम नहीं होता। अच्छा जी, मैं आपके मेजे के लिए आपके हाजमा के लिए 6-7 ठुमके लगा सकता हूँ। कमबख्त मारा पसीरिया मांझ रहा है। बेटे रक्स इसे कहते हैं ना फिर। आज ही देखिए बंदर डांस। क्या बकवास कर रहा है? आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। हाँ तो देगा, तूने तो करवाया हुआ बीमा। ये तो खुद बेटा बस वाले के आगे आता है, मुझे मार दे मुझे मार दे, वो बस वाले से आने साइड से निकाल लेते हैं। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी देने का इंतजाम किया है, दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम दो हो ना, सासें भी दो होनी चाहिए। अरे इस दौर में दो एक सास तो बर्दाश्त नहीं हो रही दामाद से, ये दो दो सास लाएगा। अबे मैंने सोच लिया है सिर्फ इन बच्चों के खातिर अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे दूंगा। क्यों? कायम रहियो जमानी,
आन के कल्लाख ले ले। ओहो ऐसे कह रहा, आन के सब्जी ले ले। हमें अकेला छोड़ दो, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। बेटे बेटे अकेले की बात नहीं है, मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ, उससे मुस्तकबिल की बातें करना, सारी बातें प्लानिंग करना। अच्छा मैं आता हूँ। बेशरम कमबख्त मारा, बेटियों को बुला रहा है, लाना तुझ पे। बेटे हूर बानो तुमसे मिलने को तड़प रही, मैं भेज रहा हूँ। हाय 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 हाय, कैसे हो? बहुत अच्छे। ठीक तो हो ना? हाँ, तो मैं कह रही थी मैं शादी उससे करूंगी जिसे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होगी। सुना क्या? डैडी बात कर रही हूँ। लेकिन मेरी शादी की एक शर्त है, तुम दोनों अलहदा अलहदा हो जाओ। ठीक है, मैं अब्बू को फोन करता हूँ, वो हमें अलहदा अलहदा कर देंगे। जल्दी से करना। बिल्कुल, अब्बू को फोन करोगे? अब्बू को फोन करते हैं, अभी टैक्सी से कहते हैं। हेलो जलपरी, तुम कहाँ थी? तुम्हें देखने को आंखें तरस गईं। तरसता है ये तुझे प्यार करूं। हाय कितना अच्छा गाती हैं आप, मेरे लिए भी गाइए ना। अच्छा, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माबाद कदम कदम। जलपरी मुझे छोड़ के पानी में ना जाना। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया के रस्म रिवाज तोड़ दे। वाह वाह मजा आ गया। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है। जलपरी अगर तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा और लोग हमारी मोहब्बत की कस्में खाएंगे। ये दुनिया रहे ना रहे हम दम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया रहे ना रहे हम दम। वाह 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 वाह, आप मेरे खातिर क्या कर सकती हैं? ए वतन के और जब वो सामने आता है इसकी गाने, और जब मैं सामने आता हूँ 14 अगस्त शुरू हो जाती है। तो ठीक है ना, मैं लड़की से प्यार करता हूँ, तुम वतन से करो। ठीक है ठीक है, मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब आ गया आपकी मर्जी। हाय। अच्छा भाई खुदा हाफिज़। तेरी वजह से दलील होना पड़ रहा मुझे। अब तेरी शक्ल ही भाइयों जैसी है। ये कहा था मेकअप करा कर। लो लो आपके लिए। ये मेरे लिए। आपके लिए भी। मेरे लिए। हाँ मेरे लिए। मेरे लिए। मेरे लिए। हलवा मेरे लिए। मेरे लिए। चुप। मेरे लिए। चुप। इसे घर में कोई नहीं खा रहा था। क्यों? इसमें अब्बू का जूता गिर गया था। ओए ओए तभी मेरे मुंह में से कील निकल रहे हैं। मैं बच्चों, अरे क्या घास खा गया है? बच्चों दिल थाम के बैठो, दिलों को लुभाने बिजली गिराने तशरीफ लाती हैं भोपाल की मशहूर रक्कासा सुरैया भोपाली। आदाब आदाब। लानत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ वो कैसेट तो लगा दी ना, मैंने खुद भरवाई है। बिल्कुल सही, ठीक एकदम। मरवाना देना, गाने वही भरवाना जिसकी रिहर्सल की थी। हाँ बस थैंक यू। प्यारे बच्चों जी, मशहूर रक्कासा उमराव जानदा।
इजाजत है। शुक्रिया। आप बहुत अच्छे। हमारा आइटम कैसा लगा? आइटम भी पसंद आया, लड़की भी। सेफ्टी। डैडी को फोन करो, उनसे कहो हम शादी करेंगे तो इन लड़कियों से करेंगे। शेख साहब रोकिए, रोकिए प्लीज, निकाह तक तो ठीक है, रुख्सती मत करवाइए। देखें कहां आप शुरफा, कहां ये नाचने वाली। शट अप, अभी दूंगी गाली। शक्ल से लगता है बंगाली, सलील लोग आप लोग। आप नाचे तो फैशन, हम नाचे तो पेशा। छोड़ो, कितनी बुरी बात है। लड़कों के अब्बा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सलाम अलैकुम। ओह वालेकुम भाई, वो हमारे लड़के आए थे यहाँ पर। हाँ अभी प्रोग्राम देख रहे थे। प्रोग्राम? यहाँ बैठे हुए थे। अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है। उन्हें बुलाओ। अच्छा, उन्होंने कोई लड़की वड़की यहाँ पसंद की? तुम्हें पसंद किया? मेरे को नहीं यार, दो लड़कियां मेरी। नहीं नहीं, एक मेरी लड़की पसंद की, भेज दो। ठीक है ठीक है, सबको बुलाओ, मैं खुद देखूंगा बहुएं। इसकी तो एक बेटी है, मेरी दो बेटी है, जोड़ के दे देता हूँ। चल देगा। आदाब नवाब साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सलाम अलैकुम नवाब भाई। वालेकुम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। बस शुक्रिया शुक्रिया। आदाब। क्या करती हैं खातून आप? मैं ख्वार करती हूँ, बर्बाद करती हूँ, तबाह करती हूँ, जलील करती हूँ, तिजोरियाँ साफ करती हूँ। आदाब नवाब साहब। जीती रहिए जीती रहिए। देखिए किस कदर इखलाक और तमीज से हम आप जैसे नवाबों को आदाब करते हैं। अरे भाई, हमें तो आप लोगों का ये मशरिकी लिबास बहुत पसंद है। बस ये लिबास इन्हीं फैमिलियों में रह गया। ये तो सही है। अच्छा ये बताओ भाई लड़की, जी जी, तुम क्या करती हो? मैं सितार बजाती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले जापान के शहंशाह फौत हो गए, वहाँ मैं सितार बजाने गई थी। जी हाँ, बाजी हर जगह सितार बजाने जाती है। जी हाँ, और मैयतों पे तो चैंपियन है। सही कह रहे। जैसे ही मैंने सितार बजाया, शहंशाह यूं उठ के बैठे, 100 रुपए का नोट दिया, फिर फौत हो गए। इतना अच्छा सितार प्ले करती हूँ, और ये जो है ना डांस बहुत अच्छा करती है। लाल किले में भी नाचा। लाल किले में नाचे, ताजमहल में नाची। मेरे बड़ा शौक था अकबर के दरबार में नाच के गंद फैलाऊं। वाह भाई वाह, यानी मूसीकी रक्स दोनों एक जगह। जी हाँ बोले ना, तुम जरा सितार छेड़ो और तुम जरा नाच के दिखा दो। नवाब साहब, नवाब साहब आप आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। अरे भाई ये तो हमारे जवानी के शौक हैं। शैतान कईयों के। देखिए जिसके दो जवान बेटे हो उसे ये नाच गाने से शगफ नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा उन्हें क्या पता चलेगा? किनको? दोनों को हमारे। आपके बच्चों को आपका मतलब है पता नहीं चलेगा? कैसे पता चलेगा जी? ये पता चलेगा और कैसे। अबे तू, अबे तू शादी करने आया था कि क्या हुलिया बनाया? उसे देखिए। अबू, अरे अबू। अच्छा अबे क्या हो गया तुम दोनों को? औरतों की चुटिया नहीं खींचते। भाई देगा, अब्बा को देगा। हमें क्या कहते थे, बोल बच्चन कराते थे। जब से तुम्हारी माँ मरी है मैंने आज तक किसी औरत को आंख उठा के नहीं देखा। और हमें बोल रहे थोड़ा सा डांस, अब जरा थोड़ा सा रक्स। अरे देखो, ये पहले अब्बा जो बच्चों से मुजरे की फरमाइश की है बात। नहीं नहीं छोटे, तुझे तो मालूम है हमारे डैडी ने हमारी तरबियत माँ के मरने के बाद बिल्कुल दोस्तों की तरह की है। डैडी जिस मकसद के लिए आपने यहाँ भेजा था हम कम से कम उसमें कामयाब हो गए। लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, चाल चलन की भी, शक्ल सूरत की भी, लेकिन उनके वालदैन जो हैं वो दौलत के बे इंतहा लालची हैं। देखिए डैडी, हम शादियाँ वहाँ करना चाहते थे जहाँ पे वो लड़कियाँ दौलत की नहीं इंसानों की कदर करती हूँ, और इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पर नौकर बन के आए। मगर क्यों?
डैडी हमने कहा अपने एक दो दोस्त हैं जुड़े, वो लकी रानी सर्कस में काम करते हैं, उनको हम ले आए थे, लेकिन डैडी ये इतने दौलत के लालची हैं, ये जुड़ों और रिश्ते से भी शादी करने पे तैयार हो गए, बच्चियों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं। लेकिन हमने फर्दन फर्दन लड़कियों से पता किया है, वो दौलत को ज्यादा पसंद नहीं करती, वो चाहती है इंसान अच्छे हो, इखलाक हो, मोहब्बत हो, आपस में भाईचारगी हो, और एक सबसे बड़ी चीज जो है वो है यकजहती। देख रहे डैडी, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा, दौलत के लिए लड़ना भी कोई चीज है। ये दोनों भाई आपस में दौलत के लिए रात दिन लड़ते, एक दूसरे का कत्ल करने पे तुले हुए। ठीक है, मेरा ख्याल है डैडी जब वो आए आ गए, आगे डैडी डैडी इनके लड़कियां लेकर खिसक लेना, ठीक करूंगा जी। नवाब साहब, नवाब साहब मेरी तीनों बच्चियां आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बीवी है। डैडी मिलियन साहब। डैडी अब चल बे, कमीज से बात कीजिए, ये हमारे वाले साहब हैं, और जितनी दौलत आपके पास है जिस पर आप इतरा रहे हैं उसकी छह गुना ज्यादा दौलत हमारे डैडी के पास है। हाँ, दो दफा ब्रीफ केस लेके बाहर गए अब्बा जी। डैडी अब तो बड़ी सोसाइटी में ब्रीफ केस एक फैशन के तौर पर ले जाते हैं लोग, समझ गए ना भाई के चक्करों में हो तुम। अब्बू है हमारे। तो वो दोनों कौन है? वो हमारे दोस्त है लकी रानी सर्कस के। अब्बू ये जो इधर देख रहे हैं आप टर्किश एयरलाइन, ये भैया का सामान है। हमारी इन पे कुरअंदाजी हुई थी, भैया जीत गए। अच्छी है अच्छी, आपकी तो बच्ची है। ये जो इधर है ना डैडी, इधर वाले सुनहरी बाल, नहीं इधर वाली, इधर वाली बीच वाली, हाँ जी, इनसे मेरी शादी तय हुई है। वो वाली जो है वो एहतियातन है, ये फौत हो जाएगी फिर उनसे शादी। इंतजाम पक्का है बेटा। डैडी जरा इन्हें समझा दीजिएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम लोग अपनी अपनी लड़कियां लेके चलो, मैं जरा इनसे निपट के आता हूँ। तो आपकी इजाजत है डैडी? हाँ, थैंक यू, चलो चल आगे। बाहर बड़ा वाला ट्रक खड़ा है जिसमें डैडी है, उसमें बैठो जाके। चलो जी डैडी, आप आइए, आप आइए, आइए आइए ना। अरे बेटा मैं इन्हें जरा निपटा के आता हूँ, ये ठीक नहीं होंगे, कंपनी ने भी जवाब दे दिया। आप आइए ना, आइए, खाली हाथ कहाँ। आंटी आइए।